بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي استمع نفر من الجن فقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ألن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله العظيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی اور نہ کوئی بچہ بنایا یعنی کہ اللہ پاک اس سے پاک ہے اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف ہی ہوگا اللہ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا
और ये कि हमने ये ख्याल किया था कि आदमी और जिन हरगिज़ अल्लाह पर झूठ न बांधेंगे। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे रंग रंग 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 हर सू हर जा हर सू हर जा संग तेरे रंग रंग 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 तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पे मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी तेरे रंग 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 तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम से कम मुझको लौटा दे कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग 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 मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग या मेरे मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले नाज़रीन को हमारी तरफ से सलाम पहुँचे। आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाज़िर ख़िदमत है। आज हम 14 रोज़े को इख्तियार कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। जहाँ बात इबादत की आती है तो वहाँ पर इबादत सिर्फ इंसान नहीं कर रहे बल्कि चरिंद भी कर रहे हैं, परिंद भी कर रहे हैं, दरख्त भी कर रहे हैं, दरिया भी कर रहे हैं, पहाड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह ने बहुत सारी मखलूक़ात बनाई जिसमें चरिंद हैं, परिंद हैं, हैवानात हैं। हम इंसान जिनको अशरफुल मखलूकात बनाया यानी सबसे अफजल मखलूकात में इंसान को बनाया अशरफुल मखलूकात। लेकिन इसके अलावा हिशरातुल अर्ज़ भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। साथ साथ सिर्फ इंसान ही नहीं, सिर्फ जानवर ही नहीं, सिर्फ परिंदे ही नहीं,
ये दरख्त, शजर, हजर, पहाड़, ये सिर्फ ये नहीं, नहीं बल्कि अल्लाह ने जिन्नात को भी बनाया। अब हम ये सोचते हैं, जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आजकल जो हम टीवी पर भी देखते हैं कि पहले के दौर में डायनासोर हुआ करते थे, तो उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब साइंस ने तहकीक करना शुरू की तो उसको कुछ ऐसे शवाहिद मिले कि हाँ कुछ ऐसे बड़े बड़े जानवर पहले हुआ करते थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तमाम मखलूकात अल्लाह ने बनाई, इसी तरह जिन्नात भी अल्लाह ने बनाए हैं और ये बड़ी तादाद में होते हैं और ये जिन्नात का वजूद है। इसीलिए कुरान में सूरह जिन के नाम से एक सूरह भी है और अभी कारी कुरान मोहम्मद हुसैन आरई साहब भी तिलावत कुरान की सआदत हासिल कर रहे थे, उसमें भी आपने सुना कि अल्लाह कुरान में क्या इशारा फरमाता है और जिन्नात का किस तरीके से ज़िक्र किया गया है। नाज़रीन, जिन्नात इसी तरह होते हैं जैसे हम और आप एक वजूद रखते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनको हम देख नहीं सकते, अल्लाह ने उनको हमारी आंखों से ओझल रखा हुआ है। हाँ, उनका एहसास हो सकता है और वो भी सबको नहीं हो सकता, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। बिल्कुल एहसास इसी तरह है कि जैसे जैसे हमें खुशबू का एहसास होता है, हवा का एहसास होता है, ऐसे ही जिन्नात का एहसास भी होता है, वो अपने होने का एहसास दिला देते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया कि कुरान में अल्लाह ने जिन्नात का ज़िक्र किया है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नबी अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि इंसानों के साथ साथ दूसरी मखलूकात की बोलियां भी जानते थे और उन पर हुकूमत भी करते थे और जिन्नात पर भी हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो भी सोचिए मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम अम्बिया के सरदार हैं, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात पर हुकूमत कर सकते हैं तो मेरे आका की क्या शान होगी। और जब कुरान करीम मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरा और फिर जब भी आप तिलावत कुरान पाक में भी तर्जुमे में समात फरमा रहे थे कि सूरह रहमान सुनने के बाद जिन्नात के गुरों ने अपने आप अपने लोगों से ये कहा कि हमने एक ऐसे अल्फाज सुने हैं, ऐसा लहजा सुना है, ऐसे अल्फाज सुने हैं कि जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं और यकीनन अल्लाह का दीन हक पर है और अल्लाह ने एक नबी को भेजा है, तो चलो उनकी तरफ चलते हैं। और फिर उन जिन्नात के गुरुओं ने मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया। मक्का मुकर्रमा में भी एक मस्जिद है जिसको मस्जिद जिन के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर रिवायतों में मिलता है कि वहाँ पर इन जिन्नात की मुलाकात हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उन्होंने फिर सूरह रहमान का हवाला भी दिया। और रिवायतों में ये भी मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुके हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आए, हर शय के लिए रहमत बनकर आए, क्योंकि वो रहमतुलिल आलमीन है, तो जिन्नात पर भी रहमत बनकर आए, इंसानों पर भी रहमत बनकर आए, हैवानों पर भी रहमत बनकर आए, चरिंद परिंद, दरिया, शजर, पहाड़, सब पर रहमत बनकर आए। तो एक रिवायत में मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के दरमियान खड़े थे और एक सहाबी रसूल साथ थे, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कि तुमने कुछ सुना, तो वे इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ सुनी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जिन्नात थे और इनके दरमियान किसी मामले में झगड़ा हो गया था और उस झगड़े की वजह से इन्होंने मुझे बुलाया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे दरमियान फ़ैसला कराइए। और फिर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान फैसला कराया। नाज़रीन, इसी के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत वाक़या है। इससे पहले कि मैं उस वाक़े को आगे कंटिन्यू करूं, हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ शख्सियत कि जिनको आप मुख्तलिफ़ किरदार में देखते रहे हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में देखते रहे हैं और हर किरदार को निभाया इन्होंने तो बेहतरीन अंदाज से निभाया। और
आज भी ये जिस स्क्रीन पर आ जाएं तो फिर वो समझ लें वो कामयाबी की जमानत बन जाता है। और इनको ख़ास तौर पर एक जुमला है जिससे इनको जाना जाता है, अ मैन विद 1000 फेसेस, यानी इतने किरदार किए हैं कि क्या ही बात है। और आप और हम इनको देखते रहते हैं। मोहतरम नैयर एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इतना तारीफ की उसका बहुत शुक्रिया, फिर आज रमज़ान के प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनी और जो कलाम आपने पढ़ा, और बाकी लोग भी यहाँ पे जो बैठे हैं उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। उरूज आपको खुश आमदीद कहते हैं, डॉक्टर हिना आपको खुश आमदीद कहते हैं, और महा मामिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे आप? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर इजाज़त हो तो ये वाक़या कम्प्लीट करके फिर हम अपनी तरफ आते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ आपने वाक़यात सुने कि मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, तो जिन्नात ने भी इनके हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया, और फिर जिन्नात अपने फ़ैसले कराते थे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे कि आप फ़ैसला करें, आप सादिक हैं, आप अमीन, आप हमारा फ़ैसला करें। जिन्नात में दो ही ग्रोह होते हैं, या तो मोमिन या काफिर, बीच में और कोई रास्ता इनका नहीं होता, ग्रुप्स नहीं होते, ना इनके तफरके होते हैं, ना इनके फ़िरके होते हैं, इनके सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या तो मोमिन या काफिर। जिन्नात अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। एक वाक़या था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम असहाब के साथ एक जंग से वापस लौट रहे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ पानी का इंतज़ाम करो। तो कुछ असहाब गए और वहाँ देखा एक कुआं था जिस कुएं को कहा जाता है बीरुल अलम। बीर कहते हैं कुएं को और अलम कहते हैं गम को, यानी वो कुआं जो गम का कुआं है, जहाँ पे लोगों को तकलीफ पहुँचती है। तो बीरुल अलम उस कुएं का नाम था। उस कुएं के पास पहुँचे तो असहाबे किराम ने पानी के लिए वो डोल डाला, तो वो डोल की कभी रस्सी टूट जाती या कभी कोई हमला करता। वो जब वापस लौटते, और ये कई बार हुआ, कई बार असहाबे किराम गए और रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो पानी नहीं भरा जा रहा, दूसरा कोई ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आ रही मगर हमला कर रही है। जब ये मुतादित बार हो गया तो फिर मौला मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, निदा लगाई कि जाओ अली शेर खुदा, आप जाइए और जाकर पानी लेकर आइए। अब मौला अली अलैहि सलाम ज़ुल्फ़िकार लेकर कुएं के अंदर उतर गए। अब सब हैरान और परेशान थे कि काफ़ी देर गुजर गई और मौला अली आए नहीं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब से कहा कि जाओ देखो जाकर क्या मामला है। तो वहाँ जाकर देखा तो असहाबे किराम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ दिख रही हैं, तलवारों की आवाज़ें आ रही हैं, और ये मामला तीन दिन तक चलता रहा। बार बार वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जाओ देखो। वो आकर यही बताते कि या रसूलल्लाह, अभी तक मामला थमा नहीं है, तलवारों की आवाज़ें, चिंगारियों की आवाज़ें, चिंगारियां नज़र आ रही हैं और शोर शराबा है बहुत। उसके बाद हुआ ये कि तीन दिन के बाद मौला अली अलैहि सलाम की वो जंग, वहाँ पर जो जंग थी वो असल में जंग हो रही थी जिन्नात से। तो वहाँ मौला अली अलैहि सलाम ने पहले तो दावत इस्लाम दी कि तुम राह रास्त पर आ जाओ। तो वो जब नहीं आए तो फिर जंग शुरू हो गई। दूसरा हल जंग था। अब जब जंग शुरू की तो शेरे खुदा जो किसी मैदान में नाकाम नहीं लौटे, यहाँ कैसे लौटते नाकाम? तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, फिर जंग होगी। अब जंग हुई, तीन दिन तक जंग रही, कई जिन्नात मारे। जब जिन्नात की आवाज़ें आती थी ना तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर असहाब से कहते थे कि ये फ़लाँ जिन था, ये हज़रत नूह के दौर का जिन था, ये बहुत ज़ालिम जिन था जिसको अली ने मारा, ये फ़लाँ जिन था जिसको अली ने मारा। कई जिन मारने के बाद अब जिनों ने हथियार डाल दिया, अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब नहीं लड़ना चाहते। फिर जिनों के सरदार ने फिर कहा कि हमें इस्लाम कबूल करना है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक शख्स को उनके कबीले का सरदार मुकर्रर कर दिया, जिनका नाम था राहील। अब ये वाक़या हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। अब ये राहील कौन थे? इनके फर्जंद हैं ज़ाफ़र जिन। ज़ाफ़र जिन कौन है कि जो जिनों के सरदार मौजूदा दौर में, अभी कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ, वो जिनों के सरदार थे।
करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही थी तो 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक इस्तगासा बुलंद किया था हुज्जत तमाम करने के लिए कि कल को कोई ये ना कहे कि नवासा रसूल थे, बताते हमें मदद के लिए पुकारते तो आ जाते, एक आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद के लिए आए? तो फरिश्ते आए, अंबिया आए, सबको रसूल मौला हुसैन ने कहा कि आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, लेकिन ये मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूँ। यहाँ ज़ाफ़र जिन भी अपने लश्कर के साथ आए कि मौला आपके बाबा का हम पे बड़ा एहसान है, आप अगर हुक्म करें तो हम इस फौज बातिल को अभी निस्तो नाबूद कर दें, तो मौला हुसैन ने जुमला का नहीं, ये मेरे नाना की उम्मत है, हो सकता है ये राह रास्त पर आ जाए, अभी मैं शहीद नहीं हुआ, अभी मुझे शहीद नहीं किया गया। और कहा कि ज़ाफ़र तुम्हारा शुक्रिया तुम आए, अब तुम वापस लौट जाओ। ज़ाफ़र जिन वो हैं जो हज़रत राहील के बेटे हैं, जिनको कुएं में जिनको सरदार बनाया था और जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया था। ज़ाफ़र जिन चश्मदीद गवाहें वाक़ करबला के। अब हम आते हैं अपने मौजूदा दौर में कि देखिए जिन्नात का वजूद तो है। नहीं भाई, अभी हम आपसे ये बात कर ही रहे थे जब आप आए थे, तशरीफ लाए थे, और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नैयर भाई जो बताना चाह रहे हैं, मैंने इनसे कहा था कि आप ऑफिस ऑन स्क्रीन बताइएगा। नैयर भाई, आपके एक्टिंग के हवाले से पूरी दुनिया जानती है, मुतादिद इंटरव्यूज़ आपके हैं, और कौन है जो आपके बारे में नहीं जानता? हम ये चाहते हैं कुछ ऐसी बातें हम करें कि जो लोगों के लिए कुछ और मज़ीद नई हो, हमारे ज़रिए जाए। ये जो हम बात कर रहे थे जिन्नात के हवाले से कि जिन्नात को महसूस कर सकते, कभी आपने महसूस किया कि कोई जिन्न है या नहीं? मैं थोड़ा सा एक तो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी जी। दूसरी बात ये है कि कुछ इंसानों पे अल्लाह ताला का रहम होता है जी, जिसकी उसको समझ आ जाती है। जब इंसानों को ये समझ आ जाती है कि उस पर रहम है, तो फिर वो अपने जो तौर तरीके वो सीधे करना शुरू कर देता। तो मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह से कुछ है, बचपन से ही है। मुझे अपने सराउंडिंग्स में कुछ समझ आ जाती है कि जी इस हद तक रहना है, इसके उधर जाने से नुकसान होगा, इस हद तक रहना है, इधर से यानी थोड़ा सा भारीपन फील होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल फील होने लगता है। और मुझे अक्सर जब मैं तनाव होता हूँ और कोई नहीं होता, तो जैसे रोशनी सी ना, एक फासले पे एक रोशनी सी नज़र आती है, एक फासले पे रोशनी सी नज़र आती है। मैंने जब अपना जिस घर में हम लोग रहते हैं, ये घर जब दिया था, तो इसकी एक दीवार के पास जब मैं मतलब गुजरने लगा, तो मुझे बाकायदा ये कहा गया कि जी इधर से आप मत गुजरे। यानी आपको ऐसा इल्हाम टाइप का सा हुआ? हाँ, वो जैसे कोई कह रहा है, यानी कान में आवाज नहीं है, दिल में और जहन में है, जहन में है कि जी इधर से ना गुजरे, इधर से वो ना करे। तो मैं चूंकि जब रमजान पाक आता है, तो मेरे वालदैन और बहन भाई जो फौत हो चुके हैं, उनके लिए मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ जी, उनकी बख्शीश के लिए 27वें को ख़त्म शरीफ भी करवाता हूँ। तो मुझे ये थोड़ी थोड़ी सी इंट्यूशंस होती रहती हैं, रात को सोते हुए भी ऐसा कुछ होता है कि जी कुछ अच्छा चीज़ें हैं जो मुझसे कुछ कह रही हैं और मैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ। वो चूँकि उस वक्त आप शऊर में नहीं होते जब आप सो रहे जी, जी, जी। लेकिन आपको फिर थोड़ा थोड़ा समझ आ रही होती है कि हाँ मेरे साथ कुछ है, या मैं किसी के घर जाऊंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये वाली जगह जो है ये भारी है। हाँ। क्या ये कुछ सिलसिला ऐसा है? तो इसका वजूद तो जिनका वजूद तो है, लेकिन वो आपको किस तरह से आपके सामने आता है ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे लेते हैं। शुरू में मैं डरता था, बहुत डरता था, लेकिन जब मैंने दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किए रात को सोने से पहले, तो फिर अब वो खौफ नहीं रहा। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं इजी हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, हमारी तरह से यहाँ भी कुछ है, तो चलो ठीक है, उनको छेड़ो मत और साथ साथ जिंदगी गुजार। हाँ, जो अच्छे जिन होते हैं ना, बेसिकली उनके लिए कहा जाता है कि जिस तरह एक इंसान होता है, जब किसी आम इंसान को छेड़ेंगे तो वो फिर आपसे फिर लड़ेगा ना, झगड़ेगा ऐसे। अच्छा, वो क्योंकि वो आपको नजर आते हैं इसलिए आप डिफेंस कर लेते हैं, ये नज़र नहीं आते इसलिए आप घबरा जाते हैं। और अमूमन ये कहा भी जाता है कि आप किसी जगह जाएं और आप देखें जगह खाली है, तो वहाँ फिर आवाज़ बुलंद करके कहें कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, हम आपको ना तंग करेंगे ना आप हमें तंग करना। ये कहा जाता है कि ये कह दिया जाए तो वो फिर आपको तंग नहीं करते। बिल्कुल सच।
ये वजूद जिन्नात का जरूर है। उरुज आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, मैं आप कर रही हूँ। हाँ, मुझे ना किसी अच्छे जिन से मिलना है ना बुरे जिन से, जिन से मिलना ही नहीं है। अच्छा जी डॉक्टर रीना, बस हमें भी यही सिखाया गया कि सफाई सुथराई पाकिजगी करो, अंधेरी वाली जगहों पर ना जाओ, जहाँ रात के वक्त बैकयार्ड्स में और गार्डन्स वाली जगहों पर ना जाया जाए, और एहतियात बरती जाए। यही सारी चीज़ें जो बचपन में नानी सिखाती थी। हमारे घर में बड़ा सा गार्डन हुआ करता था और हम सब जब बाहर खेलते थे तो मना किया जाता था, और आज भी उन चीजों से डर लगता है। आप डरी भी बैठी हैं क्यों? नहीं नहीं, मैं डरना नहीं है, अल्लाह की मखलूक होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं रही। नैया जा साहब जो बात कर रहे थे, वाकई इस तरह से होता है। अक्सर हम ऐसी जगहों पे शूट भी करते हैं जहाँ इतना वीराना होता है, वहाँ पे पता चलता है जी आज, क्योंकि मैंने रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, 4-5 साल पहले एक ड्रामा किया था, और वो था भी कुछ सुपरनैचुरल चीज़ों के ऊपर ही था। तो उस ड्रामे पे जिस लोकेशन पे हम थे, तो वो कहते थे जी इस लोकेशन पे ये हिस्सा है जो बंद रहता है। मैंने कहा मजाक हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है। नहीं नहीं ऑनेस्टली, तो हम अक्सर ऐसी जगहों पे शूट करते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती। डॉक्टर ही ना इशारा करिए, बस कर दिए टॉपिक खत्म। नहीं मैं एक बात बताऊँ। हाँ नहीं, ऐसा ये मौजूद है, बड़ों से सुना वो ये कि आप हमेशा बावजूद है, जहाँ रहमानी सिलसिला शैतानी सिलसिला भी है, तो जो जिन्नात मोमिन जिन्नात हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जो शैतान जिन्नात हैं वो आपको परेशान करेंगे। अच्छा, अब शैतान से बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह की है, तो बावजूद रहने से ना हम शेल्टर में आ जाते हैं अल्लाह के। अगर हम बावजूद रहते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव असरात आ ही नहीं सकते। वजू सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपने कुरान पढ़ना और नमाज़ पढ़नी, आप बावजूद वैसे भी रहें। नैयर भाई, टीवी पे आपने मुख्तलिफ किरदार अदा किए, विलन का भी किरदार अदा किया, कॉमेडी किरदार भी अदा किया, सीरियस रोल भी अदा किया, और बहुत सारे किरदार आपने निभाए। रमज़ान जब आता है तो नैयर एजाज एक बाप का किरदार जो असल ज़िंदगी में अदा करते हैं, शोहर का किरदार अदा करते हैं, तो उसमें से आप कौन से वाले करेक्टर को फॉलो करते हैं? यानी नैयर एजाज असल ज़िंदगी में क्या है? नैयर एजाज असल ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अल्लाह से खौफज़दा इंसान है। सुभान अल्लाह, मेरा इस बात पे बड़ा ईमान है। अल्लाह ताला हर उस इंसान, अल्लाह ताला वैसे तो सब के साथ ही होता है, लेकिन उस इंसान की अल्लाह ताला बड़ी केयर और ख्याल रखता है जो उसके इंसानों का ख्याल रखता है। बहुत अच्छी बात की आप, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने 3 लोगों से देना शुरू की थी ज़कात, आज माशाल्लाह मैं कुछ 40 से 42 लोगों को देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये मैं ई रमज़ान से एक दिन पहले सबके दरवाजे पे जाके खुद दे के आता हूँ। और जब मैं सुबह सहरी के लिए उठता हूँ तो मैं इतना मुतमईन होता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि यार तेरा शुक्र है अल्लाह, आज हम भी इस काबिल हैं कि किसी न किसी की मदद कर लेते हैं। लेकिन उसका होता ये है सर कि जब मैं ये दे के हटता हूँ तो 2 से 3 दिन बाद वो जो मैंने बांटा होता है उससे ट्रिपल मुझे मिल रहा है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं। अच्छा नैयर भाई, आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये सादत हासिल करते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप ऐसा है तो आप भी मुझे बताइए। जैसे आप 10 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से आप नोट करते हैं कि जिस फैमिली को आपने दिया उसमें से 8-9 फैमिलीज ऐसी हैं जिसको आपने दिया, और एक हफ्ते बाद अल्लाह ने आपके रिस्क में मजीद इजाफा कर दिया, उसका कई गुना बढ़ गया। कुछ फैमिलीज या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको आपने दिया उसी दिन अल्लाह ने पलट कर बहुत ज़्यादा दे दिया, और फिर आप वो नोट करते हैं कि यार ये बंदा जो है ना मेरे नसीब से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैंने जो एक बात सीखी है वो ज़रूर मतलब मैं शेयर करूँगा कि अगर मैंने 1 रुपया कमाया है तो मैं 4 आने बांट देता हूँ, वो 4 आने मेरे नहीं है। सही, वाह वाह, बहुत अच्छी। ये मेरा शुरू से कि 1 रुपया कमाया वो 4 आने, लेकिन 4 आने मैं उनको देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। जी जी, और वैसे भी हमारे ये होता है कि जब आप अपनों को दे रहे होते हैं तो वो लोग थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या दे दिया, बस ठीक है, हमारा भाई है या हमारा चाचा है या हमारा फलाना है, तो वो इस तरफ लग जाते हैं, वो ये कोशिश नहीं करते कि यार ये अगर दे रहा है तो हम भी कोशिश करें कि हम भी लोगों को देना शुरू कर दें, अल्लाह हम पे भी उस तरह से रहमतें फरमा दे। तो ये रहमतें जो हैं इसको समेटना जो है यही सबसे बड़ी बात, वो समझ नहीं आ रही होती लोगों को। बस आप उसके इंसान के साथ प्यार करें, आप उसे इंसान का ख्याल रखें, वो परवरदिगार आपका ख्याल रखता है। नहीं, मैं सुकून की आपने बात की तो मैं आप सबको भी शामिल करूंगा इस बात में। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, कुछ जगहों पर तो टीवी पे इंटरव्यूज़ किए, कुछ जगहों पर लाइव जैसे बैठे, मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई और मैंने आपको देखा कि आप बहुत साहिब सरवत हैं और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप ज़िंदगी सुकून में भी गुजार रहे हैं।
तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा उनकी लाइफ में, और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो उनके मामलात अच्छे नहीं हैं, जरिया माश सही नहीं है, उनके पास भी बड़ा पैसा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जरिया माश हलाल भी है लेकिन वो परेशान भी हैं, यानी जो हराम कमाता है वो परेशान रहता है बाद में, जो हलाल कमाता है वो सुकून में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हलाल भी कमाते हैं सुकून में नहीं होते। इसका वजह क्या है? वजह ये कि वो रिस्क के हलाल तो कमा रहे हैं लेकिन उसमें वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि जो और लाइबिलिटीज़ वो पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूक अल्लाह का हुकूक हक भी अदा करते हैं, अल्लाह के बंदों का हक भी अदा करते हैं, रिश्तों का कदर भी निभाते हैं और अल्लाह उनको इतना देता है कि उनकी ज़िंदगी में इतना सुकून होता है। अच्छा नैयर भाई, एक बात मैंने आपसे, क्योंकि मेरी बिलमुशाफा पहली मुलाकात आपसे, बिल्कुल बिल्कुल टीवी पे तो हम आपको देखते रहे, और मैंने अभी नैयर भाई से एक बात कही थी, मेरी अपनी वो थी कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा नैयर भाई आप, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं तो मैंने कहा नैयर भाई जिस तरह आपका बोलने का लहन है और आपकी आवाज़ का जो टोन है ना, उससे मुझे लगता है कि आप जो है ना पढ़ते भी बहुत अच्छा होंगे। तो फिर इन्होंने मुझे ये बताया और मुझे आज पता चला, आप तमाम दुनिया को तो पता होगा, मुझे आज ये पता चला कि सलामत अली साहब जो हैं वो आपके बड़े भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे पहले लगता था उनकी शक्ल से कि वो, लेकिन आज आपने कन्फर्म कर दिया। नैयर भाई क्या इस बात का फ़ायदा हम उठा सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ कलाम आपके कुछ लहन में अगर आप पढ़ सकें? मैं माइक लेके आऊँगा। नाज़रीन अब तक नैयर भाई को आपने एक्टिंग में तो देखा होगा और मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए देखा है, आज आप गालिबन मेरे शो में तो पहली बार इस ट्रांसमिशन में आप लहन में समात फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद वला अली सैयदना मुहम्मदिन वस्वाबे सैयदना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम अले। माशाल्लाह माशाल्लाह नैयर भाई कमाल कर दिया आपने। अब मैं, अब तो ये वादा करें, अब नेक्स्ट हमारे किसी प्रोग्राम में आएंगे और रमज़ान में खास तौर पे, तो आपसे हमने पूरी नात या कोई हम सुननी है। मैं बिल्कुल याद करके आऊँ। वादा हो गया, वादा वादा। चलें जी, नैयर भाई से वादा हो गया कि अब कभी भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो फिर ये कलाम पूरा सुनाएंगे। आपने अंदाज़ा लगा लिया और आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने अंदाज़ा सही लगाया था, बाकी हमें भी पता चल जाता है कि ज़ाहिर है। नैयर भाई एक मुख्तसर वक्फे के बाद आते हैं तो आप ट्रांसमिशन देखते रहिए। नैयर भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको अभी हमें कहीं नहीं जाने देना, गो के इनको जाना है लेकिन छोटा भाई होने की हैसियत से हम इतना हक रखते हैं कि हम आपको थोड़ी देर रोक सकते हैं। welcome, welcome. तो आते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते रहिए प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और वादे के मुताबिक एजाज़ नैयर एजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं जाना था लेकिन हमारी मोहब्बत ने हमने इनको फिर कहा कि रुक जाएं तो थोड़ी देर और रुके। आपका बहुत शुक्रिया नैयर भाई। थैंक यू। मैंने आपको रोका इसलिए कि जो आपने ज़िक्र किया, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के हवाले से आपने ज़िक्र किया कि मैं रमज़ान से पहले ही ज़कात दे देता हूँ, और मैं जो लोगों की आप इमदाद करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ज़ाहिर है इससे आपकी आपकी शख्सियत पर, आपकी रूहानियत पर, आपके माल पर अल्लाह बरकत अता फरमाता है। नैयर भाई ये काम और भी लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ रमज़ान के हद तक करते हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं इसकी दो इसकी वजूहत होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है तो वो रमज़ान में दे देते हैं, तो उस वक्त नमाज दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है तो वो हर वक्त देते हैं। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात। इसमें ये कि जिसको जिस वक्त मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ही वो। रमज़ान का सिर्फ ये होता है कि यार कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके जहनों में होते हैं कि यार अच्छा ये रमज़ान में अगर मैं अपने दस्तरखान में हर चीज़ रखूँगा तो यार इसके दस्तरखान में भी कुछ चला जाए, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया जाता है। तो जिसको जितना मिल रहा हो, जितना भी मिल रहा हो, वो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बांटता रहे, तो वो ये तो चलती रहती है, चैरिटी तो रुक नहीं सकती। बहुत अच्छी।
अच्छा एक कॉल हमारे पास मौजूद है, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अब्बास अली मुंबई से, फिटनेस महागुरु। अब्बास अली मुंबई से, इंडिया से? अच्छा, अब्बास इंडिया से, फिटनेस महागुरु। फिटनेस महागुरु अब्बास अली ऑफ सलमान खान। ओके 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 ओके, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं अब्बास भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए खैरियत से? अरे अब्बास भाई, आपसे मेरी अरबईन पे मुलाकात हुई थी, वही तो नहीं अब्बास भाई? बहुत शुक्रिया आपने। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप ये बताएं। शुक्रिया बोल के शर्मिंदा ना करें, आपका नूरे रमजान तो सलमान भाई भी इतना पसंद करते हैं। अच्छा, यकीन मानिए सलमान भाई को मैंने सुनाया। अच्छा अच्छा, ही इज अ फैन ऑफ यूर्स, बोले यार मेरा सलाम बोलना फरहान भाई को। अच्छा अच्छा, चलो तो मेरा मेरी तरफ से आप सलमान खान सलमान भाई का भी सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी उनको सलाम अर्ज कीजिएगा। और दूसरा नैयर भाई, ये अब्बास अली हैं, मुझे अभी अरबईन पे मिले थे और बड़ा प्यार इन्होंने दिया। और ये सलमान खान जो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म एक्टर हैं सलमान खान, उनके ये जिम इंस्ट्रक्टर हैं माशाल्लाह, जिम इंस्ट्रक्टर अनिल कपूर साहब के भी। अच्छा अच्छा, तो अब्बास भाई मैंने आपसे उस दिन जी जी भाई मैं माफी चाहूंगा, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही, मेरे पास बहुत कम आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं, और इन्होंने एक किरदार है हजरत बहलोल दाना का, वो बड़ा अच्छा इन्होंने फिल्म में निभाया। अभी अब्बास भाई आपकी कॉल आ गई, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के लेजेंड जिन्होंने बहुत सारे बेहतरीन किरदार निभाए हैं, और आपको दुआ, आप इनसे दुआ लीजिए नैयर एजाज साहब से। नैयर भाई अस्सलाम वालेकुम, नैयर भाई ग्रेट पर्सनालिटी माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नैयर साहब को कौन नहीं जानता है, ग्रेट पर्सनालिटी एंड ग्रेट एक्टर माशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत मेहरबान जी भाई। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। ये बताएं वहाँ सब खैरियत है, इंडिया में सब ठीक ठाक है, मुंबई में सब सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कर रहा है फरहान भाई, थोड़े से है मतलब आप बस बाकी तो सब आप बस एक्सप्रेस देखते रहिए, हमारे इंडिया के तमाम भाइयों को भी एक्सप्रेस दिखाइए और सबको एक्सप्रेस दिखाइए और सबसे दुआएं लीजिए, ठीक है? और बाकी आपके मेरी तरफ से भी सभी लोग के, आपके व्यूअर्स को, सभी दोस्तों को, आपको, आपकी फैमिली को, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, आप सब, आपके सभी व्यूअर्स को रमजान मुबारक एंड ईद मुबारक इन एडवांस। थैंक यू अब्बास अली भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया। ये अब्बास अली भाई थे, मुझे उस वक्त उन्होंने फिर पिक्चर्स वगैरह दिखाई कि मैं अनिल कपूर साहब और सलमान साहब का इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये अच्छा, ये एक्टर खुद एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक किरदार है हजरत बहलोल दाना का, जो हमारे इस्लाम का एक बड़ा रोशन किरदार है, तो उस किरदार पर फिल्म बनी थी और उस फिल्म में इन्होंने वो किरदार निभाया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये है कि नैयर भाई, बात सिर्फ ये कि एक किरदार वो होता है कि जो हम निभाते हैं, जो आपको दे दिया जाता है स्क्रिप्ट, एक किरदार वो होता है जो इंसान का खुद का किरदार होता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं, यानी बहुत सारे लोगों का परसेप्शन था जिन्होंने आपको एज अ विलन देखा था कि यार नैयर भाई आएंगे तो सही तरीके से बात करेंगे या नहीं करेंगे या वो करेंगे, तो आपसे मिलकर आज बड़ा मज़ा आया। और हम अब चाहते हैं कि आपको एक और जगह लेकर जाएं, डॉक्टर हिना के सेगमेंट। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, आप इस तरफ आ जाइए। नैयर भाई, नैयर भाई जैसी आप शख्सियत हैं तो इसी तरह ये एक ज़बरदस्त डॉक्टर हैं जो रोज़ लोगों को रेमेडीज़ बताती हैं या रेसिपी बताती हैं जिससे हम अपनी हेल्थ कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको हम आपकी हेल्थ बेहतर करते हैं, आपको इनसाइड आउट ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाने की कुछ छोटी मोटी कोशिश करते हैं कि हम अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकें कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, आपकी होलिस्टिक हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बताते हैं इस छोटे से सेगमेंट में अपने। अच्छा, आज जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो छोटा सा स्किन केयर ट्रीटमेंट है
कि स्किन को लाइटनिंग की तरफ कैसे ले जाया जाए, और स्पेशली स्किन पे अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, और इसके साथ साथ स्किन की ड्राइनेस को भी कैसे ठीक किया जाए। तो ये वो एक स्किन लाइटनिंग क्रीम बना रही हूँ मैम, कि जो स्किन वाइटनिंग के लिए, कि जो कि आप घर में आराम से बना सकते हैं, और ये एक सब्जी से बन रही है। अच्छा। जी, और ये आसानी से आसानी से दस्तयाब होने वाली सब्जी है, जो कि मूली है, मूली के जूस से बन रही है। ये स्किन वाइटनिंग क्रीम मूली के जूस से आपके घर में बन जाएगी। अच्छा। आपको बाजार से नहीं खरीदनी है, ठीक है। दैट इज सो सिंपल एंड सो ईजी, हम इसको बना सकते हैं। ये मैंने एक कप यहाँ पे मूली का जूस ले लिया है। आपको मैं ये बताऊँ कि मूली के जूस में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट मौजूद है। ये जो हम बाजार से ब्लीच क्रीम्स लेते हैं और लाइटनिंग पील्स लेते हैं, और जो हम क्रीम्स लगाते हैं और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें मर्करी होगी, ब्लीच होगी, और ये स्किन के लिए नुकसानदेह होगी, तो ये वो चीज़ बनेगी कि जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगी, क्योंकि चूल्हा बहुत तेज़ चलेगा, इसलिए मुझे एहतियात से बनानी है। तो पहले मैं इसकी प्रिपरेशन कर लूँ। ये क्या लिया है आपने? ये है कॉर्नफ्लावर। ये एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, जिसको मैंने घोल लिया पहले से, डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, इसको भी मैं डिसॉल्व कर लेती। ठीक है, इतने में हम एक कॉल ले लेते हैं। आपके लिए कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है, किस शहर से बात कर रहे हैं? परम साहब, हमाद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हमाद भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके साथ आज इतने बड़े एक नाम नैयर इजाज साहब, बहुत बड़े इंसान और बहुत खूबसूरत एक्टर सर। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और आपको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो आप इतने फिट कैसे रखा हुआ है अभी तक अपने आप को कि एक सफेद बाल भी नहीं हुआ आपके सर का? तो आप क्या करते हैं, ऐसा कौन सा शैम्पू लगाते हैं? मैं एक्चुअली मैं एक्सरसाइज करता हूँ, 40 मिनट की वॉक और 40 मिनट की एक्सरसाइज। वही ना, और खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता हूं। वेरी परफेक्ट। और ये मजीद आपको फिट आज के बाद और मजीद नजर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर हिना के सेगमेंट से ये बहुत कुछ अब लेकर जाएंगे। वेरी परफेक्ट। देखें, इसको कहते हैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल। सिर्फ और सिर्फ ना मेकअप कुछ कर सकता है, ना हेयर डाइज कुछ कर सकते हैं, ना महंगी क्रीम्स कुछ कर सकती हैं। आपका एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। आपको नींद पूरी करनी है, आपकी डाइट बेहतरीन होनी चाहिए, आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना है, फिर आपकी सोच एक मुतमईन होनी चाहिए, आपको हर चीज़ को अपनी बैलेंस करना है, फिर आप एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हो सकते हैं। मैं राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये गरम हो रहा है, ये थोड़ा जैसे जैसे और थोड़ा सा वार्म होता जाएगा, फिर मैं देर अंदाजन हम इसको पकाएंगे, दो से तीन मिनट में इसमें उबाला आने शुरू हो जाएगा। हमको जैसे इसमें ये डालेंगे ना, अभी इसके इंग्रेडिएंट्स सुन लें। हाफ कप ये मूली का जूस है, इसमें एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, एक टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, एक ही टेबल स्पून एलोवेरा जेल है, और 10 से 12 कतरे है ये पीनट ऑयल है। पीनट ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। अगर आपकी वैसे ही रिंकल्स हैं या बहुत ड्राइनेस है ना स्किन पे, तो आप रोज़ रात को कुछ कतरे पीनट ऑयल के स्किन पे लगा के सो जाएं। लेकिन सिर्फ कौन लोग नहीं लगा सकते, वो लोग नहीं लगा सकते जिनको पीनट से एलर्जी है, ठीक है, उन वो लोग नहीं लगा सकते, अदरवाइज ये सबके लिए सेफ है। कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा इरिटेट करे, पीनट खाने से भी एलर्जी, खाने से एलर्जी, वो लगा भी नहीं सकते, वो लगा भी नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, ये देखें बॉयल होना शुरू हो गया। जैसे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मैं इसमें ये कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी जो मैंने डिसॉल्व करके, ठीक है। ये सारा आप इसमें डाल देंगे? जी डाल। ये डालने के बाद इसको मजीद फिर पकाना थिक करेंगे, थोड़ा सा थिक करेंगे, जैसे ही पकेगा ये थोड़ा थिक होने शुरू हो जाएगा, जेली लाइक इसका स्ट्रक्चर होने शुरू हो जाएगा। और फिर ये पाउडर मिल्क जो आपने बनाई है, तो के बाद में डलेगा, इसी के साथ डल जाएगा, जैसे ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा। ये अरारोट टाइप का सब ये इसकी शक्ल हो गई है ना, ये इसके साथ ये। ओके, क्योंकि हम न्यूट्रास्यूटिकल डिज़ाइन करते हैं, तो हमें पता है कि हम न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी खानों से इसके न्यूट्रिएंट्स कैसे ड्राइव्ड करके इसको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये कैसी अल्लाह की शान है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं। और इसमें क्योंकि हम कोई केमिकल्स नहीं डाल सकते, तो ये 7 डेज तक आपके फ्रिज में सेफ रहेगा आराम से। और क्योंकि ये इतना महंगा नहीं है, तो आप इसको 7 डेज के बाद डिस्कार्ड करें और नया बैच बना लें, ये कोई इतना एक्सपेंसिव तो है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके जो चेहरे पे इतना ग्लो है, जी जी, ये मेकअप की वजह से या इसके इस्तेमाल करने की वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह, मेकअप तो देखिए टीवी के लिए किया है, लेकिन विदाउट मेकअप भी मेरे चेहरे पे ग्लो है। ये हुई ना बात, अल्हम्दुलिल्लाह।
ये आपने सच्ची बात कह दी है कि मेकअप भी आपको करना पड़ता है। मेकअप करना पड़ता है देखें टीवी पे आने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो पूरा पाकिस्तान है और पूरी दुनिया में लोगों ने मुझे बगैर मेकअप के भी देखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक्चुअली जो बेसिकली जो मैंने नोट किया है ना, अगर आप बजाते खुद एक अच्छे इंसान है ना, हाँ, तो कुदरती तौर पे ग्लो आएगा ही आएगा। बिल्कुल है। आपकी शख्सियत में वैसी आपकी बात में आपके चेहरे में खुद ब खुद एक अल्लाह एक अट्रैक्शन दे देता है। ये एलोवेरा आप मिलाने लगी? बिल्कुल, ये एक टेबल स्पून में एलोवेरा डालने लगी हूँ। ये निकला ले मैं कर दूँ हेल्प? जी बिल्कुल, ये तो देखे ना रमजान तो वैसे ही सिखाते हैं। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल अब ये चूल्हा हम बंद कर देते हैं, ये स्टोव बंद करना। हाँ ये ठीक है, यहाँ से बंद हो जाएगा। बड़ा ये हो गया, ये स्टोव बंद करके हम एलोवेरा डाल देंगे। ठीक है, अब स्टोव बंद करके ही हमने इसमें पीनट ऑयल शामिल करना है। ठंडा हो जाएगा फिर ही पीनट ऑयल शामिल करेंगे। तो ये पीनट ऑयल आसानी से मिल जाता है? बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये देखें मूली के रस में थोड़ी सी जब ब्लीचिंग एजेंट है तो थोड़ा सा हार्श है। मिल्क पाउडर हमने डाला इसमें, थोड़ा सा इसमें ना लैक्टिक एसिड है, इसकी भी एक पील हो गया ना एक तरीके से। अब हमने इसको सूथ कर दिया एलोवेरा से, अब हमने इसको हाइड्रेट कर दिया पीनट ऑयल से, तो हमने पूरा एक कॉम्बिनेशन इसको बना दिया। ठीक है, ये हमने 8 से 10 कतरे इसकी डाल दी। रेसिपी चल रही है रेसिपी कार्ड पे। रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये बन गया है माशाल्लाह। इनफ है, ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। आप इसको किसी भी कंटेनर में डालें और एक हफ्ते के लिए आराम से फ्रिज में रख दें। किसी भी डिस्पोजेबल स्पून से आपने निकाला, चेहरे पे, हाथ पे, गर्दन पे लगाया और रोज़ रात को ओवरनाइट लगाएं। ये नाइट क्रीम की तरह आप इसे रात में यूज़ करें, दिन में आप सन ब्लॉक लगाएं और अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। मैंने पिछले दिनों आपको पिंक ग्लो जूस बताया है, जो वो आप पिया करें डेली, और अब मैंने आपको कहवा भी बताया है। और आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है तो ज़रूर आपकी स्किन जरूर में, आपके रंग में और हेल्थ में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो नाज़रीन आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आइए नहीं भाई नैयर भाई का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एक्सप्रेस की पूरी टीम की जानिब से, कि जितनी बड़ी शख्सियत हैं और जितने मसरूफ़ रहते हैं, आज इन्होंने एक अपनी मोहब्बत का एक सबूत दिया है कि अपना मज़ीद आधा घंटा हमें दिया नैयर भाई हमारे कहने पे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके तमाम नेक अमाल का आपको अल्लाह सिला अता फरमाए, और आपके वालदैन को अल्लाह आलमीन में जगह अता। आमीन। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, उम्मीद है फिर आपसे मुलाकात हो। इंशाल्लाह आइए मैं आपको छोड़ के। थैंक यू सर, सर सर आप प्रोग्राम के साथ आइए। थैंक यू। नाज़रीन मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमजान। प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अच्छा आप कैसे नाजरीन? बिल्कुल ठीक होंगे। अब आप प्यारा बचपन देख रहे हैं, अब आप भी बच्चे बनकर ही देखें। जैसे मेहदी आज माशाल्लाह जबरदस्त ग्लासेस लगा के बहुत आला। अच्छा ये तो डबल है, क्या खुलते हैं? खुल के दिखाओ। अरे वाह भाई, तो इतना टेक्निकल किस्म का ग्लास है। ओ नहीं नहीं भाई, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रहने दो। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम माम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अच्छा ये बताएं कि ये आपने, मुझे लग रहा है कि बच्चों को अपने वर्ष में कर लिया है कि आप जैसे कपड़े पहन के आती हैं ये वैसे कपड़े पहन। एक्चुअली दिल को दिल से राह होती है तो अक्सर हमारी मैचिंग हो जाती है। आप लोग प्लानिंग करते हैं बाद में जाके ना, है ना? सच सर वाला प्लानिंग करते हैं तुम? नहीं नहीं बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है ये तो। आपने राइट कैसे पहन लिया? मिस्टर होर इज वेरी कूल फॉर दिस। वो तो कभी भी नहीं मैचिंग करेंगे ना, वो तो अपनी तरफ से पहन के आते हैं कुछ। जी अलवीरा, अलवीरा क्या कह रही है? आज मैं जिन के बारे में बताऊं? पहले मैं बताऊं? ओके नहीं, पहले छोटी बताएंगी, फिर जल्दी से बताएंगी, फिर हम एक कहानी पर चलेंगे और फिर आपकी बातें करेंगे। छोटी नहीं है अलवीरा। नहीं छोटी है वो आपसे, ये मैं कह रहा हूँ। इसकी बात ना अलवीरा, लेकिन वो छोटी स्टोरी है। ये सुना जी अलवीरा, सुनाइए क्या सुनाएंगे हम? मम्मा कहती हैं अगर खाना नहीं खाओगी तो जिन आ जाएगा। मम्मा कहती हैं खाना नहीं खाओगी तो जिन आ जाएगा। अब हुर की बारी, फिर आपकी बारी। हुर, अल्लाह ताला ने कैसे इंसान पैदा किए वैसे दिन
जिन पैदा किए हैं। जैसे इंसान पैदा किए, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अगर हम उन्हें तंग करेंगे तो वो भी हमें तंग करेंगे। हाँ, तो हमें किसी को नहीं तंग करना चाहिए, ना जिनों को ना इंसानों को। जी पुरेन भाई, आपने कुछ नोट किए? अलवीरा को यहाँ पर एक जैसे कपड़े हैं यहाँ। अरे ये क्या बात, फरहान भाई, ये क्या बात, ये एक जैसे कपड़े कैसे आ गए भाई? फरहान भाई और मामा भाभी, मैं आज आप दोनों से स्टोरी के बाद सवाल, आप जल्दी से बताएं क्या बताना चाह रहे थे आप। ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान छू सकता है? मैं बताऊं सही जवाब। और आप क्या कर रही हो भाई? वो मुस्कुरा रही है। ड्राइंग कहाँ बना रही हो आप? कौन सी ड्राइंग है? ओहो, फिर पकड़ी गई, यहीं से उठाई थी ना आपने स्टोरी? ये रही। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं यहाँ से पढ़ूंगी तो बच्चों को बताऊंगी ना। चलिए आप शुरू कीजिए स्टोरी। अच्छा, कल की स्टोरी किस किस को याद है, किसके बारे में बात की थी? मूसा अलैहि सलाम। बिल्कुल, और मैंने बताया था आपने बोला आधी स्टोरी कल। बिल्कुल, तो आधी स्टोरी आज होगी, लेकिन कल हमने रुका था कहाँ पे कि उन्हें कलीमुल्ला क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया था। जी आप तो कैसे पता कि वहाँ पे रुके थे? वहाँ पे रुके थे मतलब कहाँ पे रुके थे स्टोरी में? कहाँ पे रुके? मुझे याद है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कहाँ तक बताई थी स्टोरी, मैंने ही सुनाई थी। अच्छा, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी को आज कंप्लीट करेंगे, आज कंप्लीट करते हैं। कल तक हमने ये बात की थी कि उन्हें कलीमुल्ला क्यों कहा जाता है, अल्लाह से कलाम करने वाला, कि वो उनसे अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया था। और जब वो क्या होता है, यही बता रही हूँ, जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया मतलब उनसे बात की। कलाम, कलाम जैसे बात करते ना, उसको कहते हैं कलाम करना, बात करना। तो जो बात करने वाला आता है उसको कहते हैं कलीम, ठीक है? तो उनको कहा जाता है कलीमुल्ला, यानी अल्लाह से बात करने वाले। बिल्कुल, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब कल की स्टोरी जहाँ तक हमने रोकी थी, उसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने उस कलाम के दौरान ये बात कही कि जाइए और जाके फिरौन को बताओ कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए, क्योंकि फिरौन जो बादशाह था मिस्र का, जिसके बारे में बात की, जो बहुत बद दिमाग था और बिल्कुल वो समझता था कि नौज़बिल्ला वो खुद खुदा है, तो वहाँ के जो लोग थे वो सब उसी को मानते थे कि ये सबसे बड़ा, इसी को मानो, सब है। बिल्कुल, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। सबसे बड़ा है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा कि फिरौन को जाके बताओ कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। लेकिन जब उसके पास गए तो फिरौन ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई बात है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे कोई सबूत दो। तो वो उन्होंने कहा कि ये देखो, उनके हाथ में जो असा थी ना, जो उनकी स्टिक होती थी, जो हजरत मूसा अलैहि सलाम एक स्टिक कैरी करते थे अपने साथ, उसे असा कहते हैं, वो असा उन्होंने जमीन पे पटकी और वो सांप बन गई, बहुत बड़ी अजदहा। जो सांप? जी छोटा सांप थी, बहुत बड़ा अजदहा जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा सांप होता है, वो बन गया। दुनिया से बड़ा लेकिन बहुत बड़ा सांप, वो बन गया। तो उन्होंने पहले तो वो बहुत हैरान हो गए फिरौन देख के, और फिर उन्होंने कहा कि तुम भी जादूगर हो, क्योंकि मैंने बताया था ना उस दौर में जादूगर बहुत ज्यादा आम होते थे, जादू करने वाले, एस्ट्रोलॉजी करने वाले सब लोग बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा तुम एक जादूगर हो और जादू के तौर पर तुम बता रहे हो कि तुम एक नबी हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। तो वो बात नहीं माना। फिर उसने क्या किया फिरौन ने, उसने मिस्र के लोगों से कहा कि जितने भी जादूगर हैं सब आ जाएं, और उनके दरगाह, उनकी जगह पे आके, जिनका घर था वहाँ पे सब शामिल हो गए। और फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम जो अपने भाई के साथ उनके घर गए थे फिरौन के, उनके पास घर, उनको बोला आप लोग आपस में मुकाबला कर लो, मतलब वो दोनों भाई, हजरत मूसा अलैहि सलाम और उनके भाई, और साथ में वो सारे जादूगर। और जादूगरों ने क्या किया, रस्सी जमीन पे फेंकी और वो सब सांप बन गए, लेकिन छोटे सांप। और फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपना असा दोबारा से जमीन पे पटका और वो बड़ा सा सांप बन गया, यानी अजदहा बन गया, और उन्होंने वो सारे सांपों को खा लिया। ये देख के वो जो जादूगर थे, वो हजरत मूसा अलैहि सलाम पर ईमान ले आए, कि उन्होंने देखा कि ये कैसे हुआ और ये तो कुछ अलग ही चीज़ हुई है, तो वो उस पर ईमान ले आए और मानने लगे। लेकिन तब भी फिरौन ये बात नहीं माना और वो अकड़ में था अपनी, और उसने कहा मुझे अल्लाह ताला को देखना है। और उसने अपने जो जैसे होता है ना मैनेजर होते हैं या क्या होता है, वो हमान उसका नाम था, और उसको उससे कहा कि जाओ एक बड़ा सा मीनार बनाओ और उस मीनार पर चढ़ के मैं अल्लाह ताला को देखूंगा। और फिर क्या हुआ, उसने बड़ा सा मीनार बनाया पर वो मीनार एकदम टूट के चिकना चूर हो गया। तब भी वो नहीं माना। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कई दफा उन लोगों को समझाया और कहा, खड़े हुए थे क्या? नहीं, उससे पहले ही टूट गया, क्योंकि उसको ये लगता था कि देखिए अल्लाह तो हर जगह है ना, यहाँ भी हर जगह। वो कहता था, वो समझता था कि अल्लाह सिर्फ ऊपर ही है, तो मैं बहुत बड़ी, बहुत बड़ा मीनार बनाऊंगा, फिर मैं जाके अल्लाह को देख लूंगा, वो ये सोचता था कि बहुत आसानी हो जाए। लेकिन अल्लाह तो किसी को नजर नहीं आता। बहुत चढ़ते,
हाँ, तो इसीलिए वो मीनार पहले ही टूट गया, तब भी फिरौन नहीं माना इस बात को, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी दफ़ा कोशिशों के बाद अल्लाह ताला से कहा कि भाई ये नहीं मान रहे, आप इन पर अजाब ले आए, इन्हें सजा दें इस चीज़ की। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और मिस्र के लोगों के ऊपर कहत तारी कर दिया, यानी कहत मतलब वहाँ पे खाना खत्म हो गया, वहाँ पे गजा खत्म हो गई, इस तरह का जैसे होता है ना कि पानी भी नहीं आ रहा, और जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ट्री में लगे होते हैं, जमीन में होती है, वो कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, पूरा कुआं सूख गया, सब कुछ ड्राई हो गया। और फिर बिल्कुल, और ये देखकर सब कुछ ड्राई हो गया था, समंदर ड्राई हो गया, पानी भी नहीं मिल रहा था उनको, मतलब लोग खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, लोग बड़े परेशान हो गए। और फिरौन ये देखकर और परेशान हो गया और उसने अपने लोगों से कहा कि तुम जाके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगो, और उन्होंने माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और फिर कहा कि हम ईमान ले आएंगे, आप ये सब कुछ ख़त्म कर दें, और फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद भी दोबारा उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और वापस से वही बुरे काम करने लगे जो पहले करते थे, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया, कि अल्लाह ताला तो सबको माफ़ कर देते हैं ना जब हम माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही। लेकिन जब ये दो तीन दफ़ा हो गया उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि इनके ऊपर अज़ाब आना चाहिए, और वो मिस्र छोड़ के जाने लगे उन लोगों के साथ जो उन पर ईमान ले आए थे। जब वो जाने लगे ये देखकर फिरौन को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा, और वो अपने काफले के साथ चला गया उनके ऊपर, उनको घेर लिया, काफला कहते हैं पूरी ग्रुप के साथ जाके उन्हें घेर लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे। और सामने आ गया समंदर, अब समंदर से कैसे जाया जाए, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को पटखा और बाद में समंदर के दो हिस्से हो गए, बिल्कुल, और बीच में से रास्ता बन गया और वो बा आसानी वहां से क्रॉस कर गए। और जैसे ही फिरौन अपने लोगों के साथ पीछे आने लगा तो वो समंदर में डूब गया, बिल्कुल ऐसे हुआ, ये हुआ। तो इससे ही हमें मिलता है सबक कि हम जब गुनाह करते हैं अगर हम माफी मांगे तो अल्लाह हमें माफ कर देता है, फिर हमसे गुनाह हो जाता है, हम फिर माफी मांग लेते हैं। लेकिन कभी भी अगर हम बार बार ये कहें ना कि हम तो गुनाह करते रहेंगे, अल्लाह माफ़ करता रहेगा, फिर हम दोबारा गुनाह कर देंगे, फिर तोबा कर लेंगे, तो ये नहीं, तोबा वो होती है जब हम तोबा करें ना, तो हम फिर तोबा इस्तग़फ़ार ये होती है कि हम अल्लाह से कमिटमेंट करें कि अल्लाह हमने ये हमसे गंदी बात हो गई, हमसे गुनाह हो गया, आइंदा हम इस गुनाह को नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बार बार करते रहोगे ना फिर अल्लाह पनिशमेंट देगा, बिल्कुल। हाँ, बल्कि हम तो अल्लाह से ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह हमें 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 उस गुनाह से रोके, अल्लाह में तौफीक दे कि हम गुनाह से बच सकें। अच्छा, जो भी बोलना है सबने माइक पर बोला। आज हम मरियम को बड़ा मिस कर रहे हैं। आज मरियम नहीं है, पता नहीं मरियम कहाँ है आज। मरियम कहाँ है आप? मरियम इस वक्त आप टीवी देख रही हो, और इस वक्त हम सब आपको मिस कर रहे हैं। इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए था। अब आप जब आप कल आएंगी तो हम आपसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आई। अच्छा, मैं सवाल पूछूं? हाँ पूछो, आपसे सवाल है मुझसे। ओहो, बताओ आप तो बताओ। अच्छा, ये क्या बात है? किस नबी ने बनाया था? दोबारा बोलो मुझे। खाने काबा किस नबी ने बनाया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे इनसे सवाल किया। सब हम सारी टीम है, कोई बात नहीं। थैंक यू। एक और सवाल पूछो। हम दो लोग ही टीम है। हां, किसी को नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो कभी जम नहीं ला सकती? जब भी क्या होती जंप नहीं लगा सकती। ऐसी कौन नहीं लगा सकती? मैं बताऊं। टर्टल। गलत। नहीं, टर्टल जंप नहीं लगा सकता। जानवर है? ना, जानवर नहीं है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये क्या बात है? नहीं लगा सकता। थोड़ा सा तो हिंट दे ना। फिर हिंट तो दे दो। अच्छा, वो एनिमल है? वो कह रहा है कुछ भी हो। अच्छा, हाँ या ना में तो जवाब दो। एनिमल है? अच्छा, एनिमल है। एनिमल है। और गलत। क्रैप। गलत। फिर क्या है बता दो। यार फंसा दिया। बता दो ना। हार मानी, बता दो। सोसे? सोसे? हाँ हाँ, हार हार मानी। जिराफ। गलत। एलिफेंट। सही जवाब। अरे भाई वाह। एक और सवाल। अभी रुक जाओ, रैन की बारी। चलो रैन, मुझे आप सबसे एक सवाल करना है। पूछिए पूछिए। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है दिन रात चलती रहती है पर कभी नहीं रुकती? नदी। मैं बताऊं। मैं बता दिया। नदी। लो जवाब, सोचने तो दी। नदी। मैं आपको जिन के बारे में बताऊं? जिन के बारे में बताओ। अगर हम जिन को परेशान करेंगे तो जिन हमें परेशान करेगा, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमें नहीं करेगा। तो मैं जी वो पीछे कौन है तुम्हारे? देखो भाई, नहीं करे, मैं बहुत डरती हूँ। क्यों क्यों डरती हो? देखो जिन 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 जो होते हैं ना, सुनो, डरने की बात नहीं है। देखो डरने की बात, जिन YouTube में दिखाते हैं। देखो एक चीज, वो गंदे वाले जिन होते हैं,
जिनसे डरा जाता है, जो अच्छे वाले जिन होते हैं उनसे नहीं डरते, वो हमारे और आपकी तरह होते हैं, लेकिन वो हमें, हम उनको देख नहीं पा रहे होते। लेकिन बताओ क्या है, अल्लाह जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, और वो जो गंदे जिन है ना वो शैतान शैतान के फॉलोअर होते हैं, और जो अच्छे जिन होते हैं वो अल्लाह के फॉलोअर होते हैं, वो मोमिन होते हैं। जब रात को सोते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन आ जाएगा, कि अब कोई भूत नहीं, 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 ऐसा नहीं है, खामखाई कोई जिन नहीं आता। हाँ, और ये खामखाई डरना नहीं चाहिए। हाँ, हम जब आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं या कोई भी दुआ पढ़ के सोते हैं तो अल्लाह हमें ना शेल्टर में ले लेता है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी बड़ा जिन आए। आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि मैं जिन से डरती हूँ। मैं जिन से डरती हूँ? क्यों? मामा भी और फ्रेंड है, आप दोनों से। जो अल्लाह से डरता है उसको किसी से नहीं डरना चाहिए। देखो जो अच्छे जिन है ना वो आपको परेशान नहीं करेंगे, और जो बुरे जिन है वो आपका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम दुआ पढ़ के सोते हैं। दुआ पढ़ के सोती हो ना सुबह, है ना? और हम सबको पता है क्या, वजू करके सोना चाहिए। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि वजू करके सोएं। वजू करके सोने से पता है क्या होता है कि हमारे पास वो नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं उनकी हम पर अटैक नहीं कर पाती, वो दूर धड़ाक डिश डिश, जैसे वो जैसे लाइव बॉय नहीं जर्म्स को मार रहा था, डिजू डिजू डिजू, हाँ ये जर्म्स को मार रहा होता है, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह जब हम दुआएं पढ़ते हैं ना तो जो गंदी चीजें हैं ना वो हमसे दूर रहती हैं, आ ही नहीं सकती। बाकी चीजें अब करेंगे कल, नहीं कर ही नहीं सकते ना क्योंकि हमें ब्रेक लेना है। हमारे तो दिल चाह रहा है हम पूरे दिन आपके साथ बैठे रहे, लेकिन छोटा सा नहीं, छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हम कल करेंगे बेटा, वरना मैं आपको जरूर सबको सवाल करने के। नहीं छोटा सा है ये, छोटा सा ब्रेक है, हम अगले दिन छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। कल आपसे प्यारा बचपन में दोबारा मुलाकात होगी और यहीं से शुरू करेंगे, कल हम हुर से शुरू करेंगे और मान से हुरैन से शुरू करेंगे, ठीक है? हुरैन और हुर से शुरू करेंगे, उसके बाद भी मेहदी और अलवीरा की बारी है, आप तो खामोशी रहती हो, ठीक है? कल बोलना शुरू कर देना, और मरियम आप कल ज़रूर आ रही हैं, ठीक है? देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और ये जो हाथ धो रही हैं ये हमारी शेफ़ हैं, इनका नाम है उरूज, जिनको आप रोज़ देखते हैं, और हाथ इसलिए धो रही हैं कि हाथ धोना चाहिए डेटॉल से, जर्म्स से। डेटॉल हैंड वॉश आपके हाथों को जर्म फ्री कर देता है और हर तरह के जर्म से आप पाक रहते हैं। आज हम बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें, ब्राइट सब ब्राइट कर देता है, इसलिए ब्राइट सारे दागों को धो देता है। आज आपको पता है कि आज हम लोग एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि आई थॉट कि हम लोगों ने बात इतनी करी चाय के बारे में कि चाय हमारे मुल्क की तकरीबन नेशनल ड्रिंक ही है, तो हमने सोचा कि चाय फिर अब बना ही लें, तो हमने कहा कि अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो जरा कोई मुनफरिद चाय हो। हम चाय बना रहे हैं तो फिर पठान क्या करेगा? एग्जैक्टली कराची में पठानों की पठान भाइयों की चाय जो है ना बड़ी जबरदस्त होती है, और वही कड़क चाय, हिट हिट चाय। तो आज हम जो पहला आइटम बना रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ चाय है, इसको कहते हैं कटिंग चाय। कटिंग चाय, कटिंग चाय, कटिंग चाय के नाम से मशहूर है, और वो आजकल के सीज़न के अंदर बड़ी बिकॉज़ कराची में तो खैर काफ़ी दिनों से गर्मियाँ आई हुई हैं, बट मुल्क के बाकी के जितने भी हिस्से हैं स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं मुल्क के, पंजाब वगैरह, यहाँ पर मौसम तब्दील हो रहा है, तो सर्दी से मौसम गर्मी में जा रहा है, तो बहुत लोग नज़ला ज़ुकाम इस तरह के यू नो मसले मसाइल चल रहे हैं, तो कटिंग चाय एक्चुअली इज़ अ टी दैट यू शुड हैव, चाय ही है मगर ये वैसी इस चाय मौसम में बदलते मौसम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित, बदलते मौसम में फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा जी, इसको बनाना बड़ा आसान है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स में फरहान सो सॉरी मैंने आप जरा मैं बताता रहता हूँ, आपने लेनी है इलायची, आपने लेनी है दारचीनी, आपने लेनी है लौंग, और ये काली मिर्च, और ये थोड़ा सा अदरक, और आपने लेनी है चीनी, और लेना है पानी, और लेना है दूध, और लेना है ऑल पर्स के इतने सारे, ये भी तो आज आज पूरी आज हमारे पास यू नो ऑल पर्स ने
बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रिज भेजा हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑलपस के प्रोडक्ट्स हैं। ऑलपस के दूध के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 100% खालिस दूध है। ऑलपस अपनी गायों का बहुत ख्याल रखता है, अपने जिन जो एनिमल्स से हमें ये दूध मिलता है इनका बहुत ख्याल रखता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दूध होता है, विच इज़ ग्रेट फॉर योर फैमिली। आप पहले स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मैं डालूंगा पानी। अच्छा, वैसे चाय तो मैं बना लेता हूँ, ये हकीकत है, चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, लेकिन कटिंग चाय जो है वो कैसे बनेगी ये आप मुझे बताएंगी? आपने इसको काढ़ना है। अच्छा, आपने देखा है? हाँ हाँ। अब पानी कितना डालना है बताएं आप, मतलब कितने आप? अभी हम एक बनाएंगे फिर दोबारा बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे आप लोगों को एक दिखाने के लिए, फिर अफ्तारी पे भी तो पीनी है ना। दिखाने के लिए कितने लोगों के लिए? एक एक या आई थिंक एक दो कप बना, दो कप पानी लेते हैं। एक कप ग्रेट, ये तकरीबन दो कप हो गया, ठीक है। दो कप पानी लिया, अब इसके अंदर हम क्या सबसे करेंगे? आप चाय बनाने जा रहे हैं और आपने सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है पत्ती। जब चाय पीनी है तो लिप्टन ही का नाम आता है, और किसका आता है? एब्सोल्युटली, तो लिप्टन ने बाय द वे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रमज़ान के अंदर जार ऑफ जॉय के नाम से ये पैकेजिंग जो है ये लॉन्च करी है। कितना खूबसूरत बननी है जिसके अंदर आपकी चाय जो है उसका ये सिलिकॉन की शील्ड है जिससे आपकी चाय की फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहे। रमजान के लिए इन्होंने निकाला, रमजान में निकाला। अच्छा, एब्सोल्युटली जार ऑफ जॉय, और ये बर्नी आप सेव करें, आई एम श्योर कि इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। शायद थोड़ी देर से बाद अम्मियां जो हैं वो इसके अंदर और सब कुछ स्टोर होगा, चाय के अलावा भी और भी। मुझे तो मैं जी, ठीक है, आप चाय बनाएंगे, पत्ती तभी डालते हैं जब पहला एक पानी में जोश आ जाए। जोश आ जाए, अभी पानी में जोश नहीं आया, इसको जोश दिलाना है। अच्छा, अब हमारी जो दूसरी रेसिपी है मैं उसकी तरफ बढ़ती हूँ। हम बना रहे हैं बनाना ब्रेड, जो कि माहम आमिर की एक शदीद फेवरेट डिश है। बनाना मफिन, बनाना ब्रेड, बनाना मज़ेदार, आप इधर आ जाए तो फिर आइए। वैसे ही आपने मशहूर तो कर ही दिया है मुझे और डॉक्टर हिना को, मैं आज ही वो मीम देख रही थी जैसे अम्मी कहती है ना, आना बेटा फिर बनाना। नहीं लेकिन आप आइए बनाइए प्लीज। डॉक्टर हिना, आप क्या कहा था आपने, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? हाँ जी, आज मैं बताती हूँ मुफ्त की रोटियां। हाँ जी, हमें क्या करना है आज? अच्छा, आप जो है बनाना ब्रेड, मैं चाहती हूँ कि आप सीखें, क्योंकि इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी यू नो एक दफ़ा तीन चार तीसरा या चौथा रोज़ा था, इन्होंने कहा वैसे शेफ आपको बनाना ब्रेड बनानी आती है? मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने आपके लिए सरप्राइज रेसिपी रखी है। हाउस अच्छा, इसको ये वाला रखेंगे ना? ये जी जी जी, ओके। आप घर में चाय बनाते? बिल्कुल सही बना, घर में चाय बना लेते, नहीं कटिंग चाय। अगर आप ये देंगे मुझे कैंची दे दें, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास जोश आ गया, अब इसमें पत्ती डालें। ऑलपस क्रीम के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत खालिस क्रीम है, और अब इसके बाद ये मैंने आखिरी आपको बताना था कि ऑलपस क्रीम जो है ये बहुत खालिस क्रीम होती है, आप ज़रूर इसका इंतखाब करें। टोस्ट पे तो लगा सकते हैं सहरी के वक्त, बट मीठे भी बन सकते हैं। सेवरी हमने बहुत सारी डिशेज बनाई हैं, बट आज हम सावर क्रीम वाली बनाना ब्रेड बना रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि ये वाली जो बनाना ब्रेड होगी बहुत मॉइस्ट होगी, सो इट विल नॉट बी ड्राई, ड्राई फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है जी। अब आप क्रीम डालें इस छोटे प्याले में। अच्छा जी, अपने हाथों से। अच्छा, अब हमसे सुन लीजिए चाय के बारे में। मुझे चाय में हमने दो कप जी, आइए डॉक्टर, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है। बस आपके लिए बना रहे हैं, दो कप हमने पानी लिया, बिल्कुल, और उसके बाद हमने 3 टेबल स्पून लिप्टन की चाय डाली है। अच्छा, पानी को जोश पे आने दें, ठीक है? उसके बाद आज दरमियानी करनी होगी आपको, थोड़ी सी दरमियानी, ज्यादा जोश जलाती है, ज्यादा जोश आ गया। अच्छा, अब हमने 1 इंच जिंजर यानी अदरक, एक इंच, ये 1 इंच डाल दी, थोड़ी और डाल, 1 इंच जरा मोटी होती है। शेफ रोज ये कटिंग चाय और मसाला चाय में क्या फर्क होता है? चलिए, अच्छा, इसके बाद चाय बॉम्बे की होती है, कार्डिमम डालनी है 3 पॉट्स। आई ऑल ऑफ दिस टाइम आई यूज्ड टू थिंक कटिंग चाय मतलब होता है हाफ चाय, थोड़ा तोड़ के डालें, पर कटिंग चाय इज दिस चाय होती है। ओ, कट खुशबू निकलेगी, तोड़ के डालेंगे ना? ये हमने तोड़ के डाली ऐसे, इसका रंग और रूप बदल गया है, हमने कार्डिमम डाल दी। अच्छा, हमने लौंग डालेंगे तकरीबन 4 अदद हमने डाल दी, 1 2 और खुशबू भी सूंघते रहे फरहान, इट्स अ लॉट अबाउट इंस्टिंक्ट। सही कह रही हैं आप, और हमने सिनेमन यानी दालचीनी जो है वो ये इतना डाल दें, ये आधा इंच इतना डाल दिए, ठीक है? और उसके बाद शुगर हम डालेंगे बाद में, हसबे जायका आखिर में डाल देंगे, ठीक है ना? और
एक कप मिल्क थोड़ी देर बाद डालें, थोड़ी देर बाद चलें, इसको पहले हिला लें। हाँ हिलाएं ऐसे, इसको थोड़ा तेज कर लो। बनाना जो है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो फ्लेवर्स है ना वो हल धीमी आंच पे थोड़ा सा खुल के निकलेंगे। थोड़ा सा बंद हो गया देखा। अच्छा मैं यहाँ पे बनाना ब्रेड के लिए आपको ये बता रही हूँ कि आप जो शुगर है और बटर है पहले उसको मिक्स करेंगे। केले जो हैं जितने पुराने होंगे उसके अंदर उतना ज़्यादा मिठास होती है उस केले के अंदर, तो केले की जो नेचुरल शुगर्स होती हैं वो बाहर आती हैं। तो जितने भी काले वाले केले हैं उनसे हमेशा बनाना ब्रेड बनाएं, अपने फ्रेश केलों से ना बनाएं, ताज़े ताज़े केले जो हैं विल नॉट वर्क। ठीक है, आप बटर। अच्छा, इसमें ऑलपर्स कितनी देर बाद डालना है मिल्क? जब आपको अच्छी सी खुशबू आना। हाँ, मैंने यही कहा कि थोड़ा सा आंच इसकी अगर धीमी कर देंगे अरूज तो इसकी खुशबू अच्छी आने शुरू होगी ना। अच्छा, यूजली बनाए मेक चाय तो मैं हमेशा, मतलब कटिंग चाय तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन इलायची या दालचीनी की अगर मैं चाय बनाती हूँ तो मैं पहले पानी में उसको उबाल। हाँ, तो इज दैट अ गुड थिंग कि पहले पत्ती डालें या पहले वो उबाल के उसका सारा जो वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं एसेंस उसमें। थोड़ी सी आंच इसकी ना हल्की करके थोड़ी सी देर अगर हल्की कर होगी। चाय के बारे में बता के मैं अपने आपको इतना सुपीरियर चाय फील कर रही हूं। मुझे भी, मैं चाय बना। अच्छा, कोयले पे अगर ये बनाई जाए तो और मजेदार बनती है, पता है आपको? यस, क्योंकि स्लो हीट होती है। स्लो हीट जब दूध डालेंगे बहुत उससे फर्क पड़ता है। फिर हम ऐसी फैटी लगाएंगे ना, फिर इसका रंग निकलेगा। बस चाय के बारे में मैं सब सिखा सकती हूँ, चाय और कहवा। अच्छा, इसके बारे, इसके अलावा कुछ नहीं सिखा सकती। अच्छा अच्छा, चाय का होटल खोले हम मिलके, पार्टनरशिप खोल सकते हैं, चाय का, कहवे का, जूस का, ये खोल सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे 2 अदद अंडे। चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, बहुत शौक से चाय पीती। आपने बटर किसके अंदर मिक्स किया था? शुगर में। कार्डमम। ओह, बटर शुगर। अब इसमें डालेंगे 2 अंडे। तारो, और ये चाय कप मेरे टेबल पे सामने आए। बस विस्क विस्क एंड विस्क, जरा जोरे बाजू। ओए होए होए, मेहनत हो रही है दोनों। मेहनत हो रही है खातून, दोनों खवातीन, दोनों खवातीन लगी। चाय अच्छी बनने वाली है कि ब्रेड? नहीं नहीं, दोनों अपनी जगह है। ज़ाहिर है, पहले हम वो खाएंगे चाय के साथ। चाय के साथ बनाना ब्रेड। आज हम अफ्तार में चाय और बनाना ब्रेड। आज आपको चाय मिलेगी अफ्तार के वक्त। ऐसे बताओ, अभी मैं गरम गरम पहले, अभी कुछ महीने पहले ना मैं लंदन गया ना, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे एक कॉफी शॉप, जी जी आपने, ये तो हीथ्रो पे ना एक कॉफी शॉप है, तो वहाँ मैं अक्सर मैं ये कॉफी पीता था, कौन सी कहलाती है जो ब्रांड का नाम लेने लगे। नहीं नहीं, नॉर्मल कॉफी जो होती है जैसे एक्सप्रेसो कैपेचिनो, अक्सर मैं कैपेचिनो पीता था। तो मैंने एक दिन कहा ये एक्सप्रेसो पीते हैं, तो मैंने उसको ज़ारे बिल पे किया, तो उन्होंने ना कोई इतना सा एक कप दिया। तो और एक्सप्रेसो शॉट है ना, एक्सप्रेसो शॉट है उस, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना एक्सप्रेसो का, और उस कप में भी इतनी सी कॉफी थी। तो मैंने उनसे कहा ये क्या है, ये क्या मजाक है, मैंने कहा ये क्या मजाक है। खैर, वो मेरी मजलूमियत देखकर बेचारी ने थोड़ा सा और मजीद इसको फिल कर दिया, क्योंकि मैंने ये जो मैं आप बनाना ब्रेड है ना, मैंने बनाना केक मिलते हैं उसमें। हाँ, जी जी, वो बनाना केक ले लिए थे 2-3, क्योंकि मैं भूख लग रही थी। अब वो 2-3 बनाना केक लेने के बाद इतनी सी कॉफी से क्या होगा। तो आपने एक्सप्रेसो, वो पाकिस्तानी वाली एक्सप्रेसो, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा बना रहा हूँ ताकि खुशबू आई है। अब डलेगा इसमें, यहाँ से खुशबू आनी चाहिए, मुझे यहाँ से दम दिया है, दम दे दिया, दम। डॉक्टर हिना दम भी करती हैं चाय पर। अच्छा गाइस, ये चाय पे दम दिया है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारे के सारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको इकट्ठे मिक्स करें, यानी कि अंडे, ये केले, कुछ नहीं होता, चीनी है। अच्छा, आपको मैं और दे दूंगी। कोई बात, अंडे, केले, वनीला एक्सट्रैक्ट, और फिर इसके अंदर आप दालचीनी का पाउडर डालें, एक अच्छा मतलब बड़ा 3 उंगलियों वाला जो चुटकी होती है, हेल्दी पिंच, नमक का जरूर डालें, मीठे के अंदर नमक बड़ा फायदा देता है। आप केला इसमें डाल दें। एक मिनट रुक, इतना ठीक है? ठीक है, और जी बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा मैं इसीलिए किचन में नहीं जाता, चीजें मुझसे ना इस तरह गिरती हुई। कोई बात नहीं, What happens in the kitchen stays in the kitchen. Yes. You can be as clumsy as you want. ये देखें, technique देख रहे हैं, चाय से मोहब्बत। क्या बात? चाय वाली बाजी। डॉक्टर हिना चाय वाली बाजी। बस ये मशहूर हो गई। चाय कहवा। बस अब मैं और डॉक्टर हिना बिजनेस शुरू कर रहे हैं चाय का। अब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अब चाय की फैटी लगेगी। ये देखिए ऐसे। थोड़ा सा और दूध डाल दूं? जी जी डालिए। अच्छा, इसको अब मैं एक दफा हम आपसे, अब तो दम नहीं करना ना? नहीं, अब दम नहीं होगी, अब फैटी लगेगी। हल्का हाथ गंदा।
सफाई का ख्याल रखें। सफाई का ख्याल, मैं टिश्यू, जबरदस्त, आप टिश्यू। माहा, मैं इसको एक दफा इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट रही हैं। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक बीटर से बेसिकली जरा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, बताना चाहती हूँ, आप पहले कर लें। ये कॉल है हमारे साथ, रुकिएगा जरा, आनी आप काम जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, सैयद मीसम रजा बात कर रहा हूँ, लाहौर से। सैयद मीसम रजा, कैसे आए? चाय पिए आप? चाय बना रहे हैं हम आपके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। जी सर, कीजिए। सर, रिक्वेस्ट ये करनी थी कि एक आपसे मंकवर सुननी थी, और दूसरा सवाल ये था, मैंने एक शेफ से सवाल करना था। दो सवाल हैं कि अफ्तारी में सम टाइम ऐसा होता है कि पूरी ये जो बॉडी लेवल होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, वो बहुत वीक हुआ होता है। तो हम अफ्तारी टाइम कौन सी ऐसी चीज़ लें कि जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल पर आ जाए? और दूसरा सवाल ये है कि रमज़ान के अलावा भी हम जो है ना जल्दी जल्दी चीज़ खाते हैं, सहरी भी अफ्तारी भी, बहुत जल्दी जल्दी, तो क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम कौन सा ऐसा कहवा यूज़ करें कि जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लो लेवल पर आ जाए, सही हो जाए? बिल्कुल। ओके मीसम भाई, ज़रूर। अब आप सुनिए, डॉक्टर हिना बताती हैं आपको। जी डॉक्टर हिना, आपने सौंफ लेनी है एक टेबल स्पून, आपने इलायची लेनी है और अदरक लेना है। इन तीनों को आपने बॉईल कर लेना है पानी में, ठीक है? वो बचा लिया, ऑन स्पॉट बच गई। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने बचाया, डॉक्टर हिना काम आ गई। चलिए चलिए, वो एक दो मुझे चाय वॉल्केनो की तरह फील हुई इस वक्त यहाँ। बैक टू डॉक्टर। अच्छा, इफ यू डोंट हैव अ डिश यू कैन। अच्छा अच्छा, सुने जी, एक टेबल स्पून सौंफ लेनी है, एक इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है आपने, और तीन इलायचियाँ लेनी है। उसको एक से दो कप पानी में आपने गर्म कर लेना है अच्छी तरह, यानी इसका कहवा बना लेना है। और इसका इस्तेमाल आपने अफ्तार में भी करना है और सहर में भी करना है। कुछ पुदीने के पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये आपको बदहजमी भी नहीं करेगा, और जो आपको भारीपन हो जाता है क्योंकि आप बहुत फास्ट खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सहरी में भी क्या करते हैं कि पानी का इस्तेमाल एकदम से बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना। और ये क्योंकि पानी की शिद्दत को भी, कमी को भी पूरा कर देगा, प्यास की शिद्दत को भी, क्योंकि इलायची है वो पूरा कर देगी आपकी। तो ये कहवा है, एक चम्मच सौंफ, एक इंच अदरक का टुकड़ा और इसके साथ कुछ इलायचियाँ, ठीक है? अच्छा, चूल्हा बंद करने के बाद भी करते रहना? नहीं, अब नहीं करना, मैं इलाज। चाय ठंडी हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों की चाय शॉप के बराबर में मेरे ख्याल में मैं और माहम बेकरी। हाँ, बेकरी खोल, बेकरी खोल। ऐसा तो नहीं होगा ना, सिर्फ चाय तो नहीं पिलानी है? अरे, ये ग्लास में तो और ज्यादा मजेदार लगेगी। अब आप ये देखिए, मुझे चाय से इतना प्यार है कि मैं इसको ग्लास में निकाल के भर। अरे, ग्लास में मजा आएगा, ग्लास में निकालू ना? हाँ, ग्लास में। अगर ये गिरी तो प्लीज मेरी इंसल्ट नहीं करिए। नहीं, आप उसको चमचे से निकालू, अपना इम्तिहान खुद लेना। इंसान तो वसीला होता है डॉक्टर है ना, अपना इम्तिहान मत लें आप बिल्कुल। गुड आइडिया। अच्छा जी, बनाना ब्रेड बन गई है, इसका बैटर बन गया बेसिकली। इसके अंदर हम लोगों ने चॉप हुए हुए वॉलनट्स डाले हैं, यानी कि अखरोट। ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है ग्रेट, अगर नहीं अवेलेबल कोई मसला नहीं है। एक और यहाँ पे आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, शुगर के बगैर बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ केलों की जो क्वांटिटी है, रेसिपी कार्ड पे चार केले लिखे हुए, पर वो चार थोड़े बड़े केले हैं, वो छोटी छोटी केलियाँ आ जाती है ना अक्सर, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको डबल कर दें। वो फिर एक द स्मॉल वन बनाना इज़ एक्चुअली लो बनाना। तो मैंने चार लार्ज केले लिखे हैं, तंदुरुस्त तवाना, अगर वो चार नहीं तो फिर आठ हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर आप शुगर के बग़ैर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप क्वांटिटी जो है बनाना की, उसको इंक्रीज़ कर दें, और आप इसके अंदर दो से तीन टेबलस्पून दही के डाल दें। दैट्स न्यू। यस, फॉर द मॉइस्ट, फॉर द मॉइस्ट, बहुत अच्छा बनेगा। चले आ जाए हम, कम विद मी। यस प्लीज। चाय वाला। अच्छा, चाय जो है ना, ये देखिए, चाय जब आप चाय पीने का ना फील डिफरेंट जगहों पर अलग अलग आता है। अगर आप इस ग्लास में पियेंगे वही चाय होगी, लेकिन उसका फील कुछ और होगा। अब मग में पियेंगे कुछ और होगा। लेकिन एक जो पहले आते थे मट्टी के प्याले, गोल वाले, वाह भाई वाह, उसमें गोल वाले पापे डिबो के खाते थे, सोंधी सोंधी खुशबू और चाय, और उसमें गुड़ डाल के पी, गुड़ डाल के, और वो जो गोल वाले पापे आते थे ना पहले, गोल वाले पापे, क्योंकि वो गोल वाले पापे इसमें वो हो जाते थे। अच्छा, गोल वाले पापे अभी भी बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। अच्छा, चाय के साथ, जब आपके चाय के साथ आपने केक रस खाना हो या पापे खाने हो, तो कोशिश किया करें कि चाय एक बंदा दो रखे, क्योंकि वो ये एक कप तो डबल रोटी पी जाती है या केक रस पी जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप दो रख के पिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे
एक चीज मैं आपको बताऊंगा चाय के साथ, शायद आपको बड़ी ऑकवर्ड लगे सुनने में, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मुल्तान का जो सोहन हलवा होता है ना, वो खा के, एक निवाला खा के ऊपर से चाय पीकर देखें, सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन कभी आप ट्राई करके देखिएगा, फिर आप मुझे दुआ दीजिए। आई थिंक वो वैसे ही होता है ना, जैसे कि कावा ग्रीन रख के, हाँ, गुड़ के साथ कावा, मजा आता है, वाह वाह, कावा कावा मट्टी के प्यालों के साथ भी, अगर आप मट्टी के प्यालों में चाय के साथ अगर आप गुड़ वाली चाय पियेंगे ना, उसकी भी एक अलग ही टेस्ट है गुड़ वाली चाय के साथ। चले फिर गुड़ वाली चाय भी किसी दिन बनाएंगे डॉक्टर हिना, हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, तो ब्राइट सब राइट कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ये जो दाग हुए हैं सारे, ये सब सब ब्राइट से ही साफ होंगे। ठीक नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। एक्सप्रेस टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशरियात, वक्त हुआ है, सेगमेंट है प्यारा इल्म, कोई सेगमेंट का जिसमें हमारे साथ तीन टीम्स मौजूद होती हैं, हम उन टीम्स का तारुफ कराते हैं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा मलिक, जिनको सपोर्ट कर रही हैं डॉक्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? ठीक हैं। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं आयशा मुइन, अस्सलाम वालेकुम, और आपको सपोर्ट कर रही हैं माहम आमिर। टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं शेफ उरूज। अच्छा, आप लोगों ने जवाब जब देना तो थोड़ा सा लाउडली माइक के करीब आके देना, ताकि हम आपकी आवाज़ को समझ सकें। शुरू करते हैं अपना गेम और ये क्विज शुरू करते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी, आपसे पहले राउंड में 5-5 सवाल किए जाएंगे और हर सवाल पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा राउंड होगा बजर राउंड, बजर राउंड में आपको स्क्रीन दिखाई जाएगी, स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, तस्वीर के हिसाब से आपसे सवाल किया जाएगा, तस्वीर से मुतालिक, और आप उसमें जवाब देंगे बजर दबाने के बाद। बजर दबाने वाले पहले शख्स को, पहली टीम को दिया जाएगा मौका, और अगर इसमें आपने गलत जवाब दिया तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और फिर होगा हमारा तीसरा राउंड होगा हमारा रैपिड फायर, जिसमें ए बी सी तीनों टीम्स को दिए जाएंगे एक एक मिनट, और एक एक मिनट के अंदर आपने जवाबात देने हैं, जितने ज़्यादा जवाबात देंगे तो हर सही जवाब पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, आपके साथ गिफ्ट एम्पर्स जाएंगे, जो फर्स्ट टीम होगी आज की, बड़ा गिफ्ट एम्पर है करशी जामी शीरी बनाने वालों की जानिब से, और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से एक साल की मेंबरशिप का आपको वाउचर दिया जाएगा, जिसकी मालियत तकरीबन 1,00,000 रुपए है। और उसके साथ साथ आप तीनों टीम्स के साथ जाएंगे, हेविन पर्ल की जानिब से गिफ्ट एम्पर, हर्ब्यून्स नेचुरल की जानिब से गिफ्ट एम्पर, तिफल डायपर्स जो कि पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी, उनकी जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर, लेमन मैक्स की जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर, और आपके साथ जाएगा हिमानी नेचुरल की जानिब से एजाज असलम का सिग्नेचर परफ्यूम, फ्रेगनेंसेस रेंज है वो गिफ्ट जाएगा आपको, और FAW बाय हिमानी, हिमानी नेचुरल की जानिब से FAW बाय हिमानी फरहान अली वारिस के बॉडी स्पेयर परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे कि जिसकी लास्टिंग बहुत देर तक रहती है। अच्छा, और जब आप इंशाल्लाह फाइनलिस्ट हो जाएंगे, फाइनलिस्ट में अगर आप में से कोई फाइनल में पहुंचा, तो फाइनलिस्ट में जो टीम फर्स्ट होगी उसको हमारा जो अपना प्रोजेक्ट है फरहान अली वारिस सिटी, जो कि हम नया शहर बनाने जा रहे हैं मेन M9 मोटरवे पर, हैदराबाद से कराची आने वाले रोड पर है मेन M9 मोटरवे पर, यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो फर्स्ट आएंगे फाइनल में उनको दिया जाएगा 400 गज का प्लॉट फरहान अली वारिस सिटी में, जिसकी मालियत है तकरीबन 16,80,000 तकरीबन 17,00,000 रुपए, और सेकंड आने वाली टीम को दिया जाएगा ग्रैंड फिनाले में फरहान अली वारिस सिटी की जानिब से फरहान अली वारिस सिटी में 240 गज का प्लॉट, जिसकी कीमत तकरीबन है 12,00,000 रुपए, और जो थर्ड टीम आएगी फाइनल ग्रैंड फिनाले में उसको फरहान अली वारिस सिटी में दिया जाएगा 120 गज का प्लॉट, जिसकी मालियत तकरीबन 5,00,000 रुपए है। और जो लोग फरहान अली वारिस सिटी में प्लॉट बुक कराना चाहते हैं उनके लिए भी हम ऑफर लाएँ, 60% डिस्काउंट है कैश पर, और जो लोग इंस्टॉलमेंट आसान एक साथ पर लेना चाहते हैं वो लोग जीरो डाउन पेमेंट पर, सिर्फ कोई डाउन पेमेंट, कोई एडवांस नहीं, सिर्फ आप
महीने की किस्त शुरू करें और अपनी फाइल ले जाएं। हम खेल शुरू करते हैं अब। तैयार है टीम वन? टीम ए? बिल्कुल। चलिए टीम ए से पहला सवाल, इस्लाम को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? दीन हनीफ। बिल्कुल सही जवाब। वजू के बाद कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? दूसरा कलमा अशहदु। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा असला बरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? अमेरिका। गलत जवाब। चौथा सवाल, क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में टीम के कप्तान कौन थे? पाकिस्तान के। जी पाकिस्तानी। सरफराज अहमद। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा सवाल, पाकिस्तान की सरहदें कितने मुमालिक से मिलती हैं? तकरीबन 11 मुमालिक। श्योर? जी। पक्की बात है? जी। सही मान लो? लेकिन नहीं मान सकते। चार मुल्कों से मिलती है, चीन, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इतना बड़ा, इतना वसी होता कि 11 मुल्कों से सरहदें मिलती, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क, हमारे वतन अजीज की सरहदें चार मुल्कों से मिलती हैं। टीम बी की तरफ हम चलते हैं। टीम बी तैयार है आप? चलिए, आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि आप तैयार हैं। चलिए आपसे पहला सवाल, कुरान पाक में उम्मुल खबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? उम्मुल खबाइस यानी खबासत की माँ। उम्मुल खबाइस कौन सी चीज को कहा गया? शेर को। जी शेर को नहीं, चीज, चीज, शराब। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। दूसरा सवाल, जिन भाइयों ने मस्जिद नबवी के लिए जमीन बेची, इनका ताल्लुक किस कबीले से था? बनू असद। गलत जवाब, बनू नजार। चलिए तीसरा सवाल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उर्दू में क्या कहा जाता है? बैंक दौलत पाकिस्तान। बिल्कुल सही जवाब। ये हमारे करेंसी नोट, करेंसी पर भी लिखा होता है, हमारे नोट पर भी लिखा होता है। चौथा सवाल, पेट्रोनस टावर किस इस्लामी मुल्क में है? मलेशिया। बिल्कुल सही जवाब, मलेशिया में। पांचवा सवाल, 1,00,000 में, यानी अगर आप जीत जाएंगी वाइल्ड वेंचर की जानिब से भी, जब आप जीतेंगी 1,00,000 की मालियत का, तो आप बताइए 1,00,000 में कितने सिफर होते हैं? 5। अच्छा, इतनी चला के माशाल्लाह सवाल के दौरान इन्होंने समझ गई थी और गिनना शुरू कर दिया। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। चलिए टीम सी, उरूज आप खुद ही तालियां नहीं, हम सब आपके तालियां। टीम सी के लिए एक बार पहले तालियां होनी चाहिए। मैं नर्वस है। नर्वस है क्यों? क्या हुआ? पक्की बात है? सेटिंग, सेटिंग। लंबी सांस लो, कोई मसला नहीं है। नहीं सीरियस, सीरियस, थोड़ा आंखें बंद करो, थोड़ा सांस लो। चीयर, चीयर अप, चीयर अप, कोई बात नहीं। टीम सी आपसे पहला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा का क्या नाम रखा? बाबुल कुरान। नहीं, गलत जवाब, फातिहुल किताब। दूसरा सवाल, काबे पे हमला करने वाला बादशाह अब्राहा कहां का बादशाह था? काबे पर जिस बादशाह ने हमला किया था उसका नाम था अब्राहा, वो कहां का बादशाह था, किस मुल्क का बादशाह था? एबिसिना है? मुझे नहीं पता था, मेरी गलती, मेरी गलती। मैं तो यमन और हफ्शा ही सुना था, मैं माजर चाहता हूँ। ठीक है, यमन और हफ्शा सही है। तीसरा सवाल, हमने असल में मेरे जहन में था एबिसिनिया। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा सवाल, फातह बैतुल मुकद्दस का नाम बताएं जिसने अपने जंगी चालों से मगरबी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया था। मुझे लग रहा है आपकी एज से ज्यादा बड़े सवाल आ गए। कोई बात नहीं, पास कर दें। चलो पास कर देते हैं, अगले सवाल की जानिब जाते हैं। पास। बोस्तान तो शेख सादी की तसनीफ है, ये बताएं कि गुलिस्तान किसकी तसनीफ है? वो भी शेख सादी की तसनीफ है। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल है आपका, रईसुल अहरार तहरीक आजादी के किस रहनुमा का लकब है? रईसुल
रईसुल अहरार कोई बात नहीं पास कर देते आपने कब आप परेशान नहीं होना मैं आपको सही बता रहा हूँ अगले राउंड में हमने ऐसा देखा है कि टीम बहुत लो जा रही होती है लेकिन कुछ राउंड्स ऐसे होते हैं जैसे बजर राउंड और रैपिड फायर इसमें एकदम से काया पलट जाती है परेशान आपने नहीं होना अभी ना आप हारे हैं ना आप जीते हैं आप अपने आप को हार तस्लीम ना करें अभी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं मैं चाहता हूँ कि आप आगे जाएं चलिए जी दूसरा राउंड हम शुरू करते हैं दूसरा राउंड है हमारा बजर राउंड अब आपने स्क्रीन की तरफ देखना है जब मैं बोलूं तब आप तस्वीर दिखाइएगा तस्वीर स्क्रीन की तरफ आप देखें और बजर दबाइएगा ये मशहूर शख्सियत कौन सी है बताइए जरा तस्वीर देखिए और फौरन बताएं टीम ए रमेश राजा बिल्कुल सही जवाब दूसरी तस्वीर इन मशहूर टेनिस स्टार का नाम बताइए और इनका ताल्लुक कहां से है टीम ए सानिया मिर्जा इंडिया से बिल्कुल सही जवाब तस्वीर तीसरी तस्वीर तस्वीर में दिखाया जाने वाला मॉन्यूमेंट पाकिस्तान में कहां वाक़े है इसका नाम क्या है जरा बताइए सी बी 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 सी 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 तीन तलवार क्लिफ्टन बिल्कुल सही कराची चलिए चौथा तस्वीर एक मिनट रुक जाएगा तस्वीर ना दिखाइएगा तस्वीर में दिखाए जाने वाला मशहूर किरदार कौन है जरा देखिए चार्ली चैप्लिन बिल्कुल सही जवाब यहाँ अब आपने आवाज पहचाननी की आवाज किसकी है ऑडियो सुनाइए जरा फासलों को तकल्लुफ है हमसे कारी वही जफर कासमी बिल्कुल सही जवाब कारी वही जफर कासमी साहब इस राउंड में हमारा बज नहीं रहा था असल में ना देर हो जाती थी मैं बजाने सारे आंसर आते थे हम यहाँ दे रहे थे आंसर कोई बात नहीं रैपिड फायर अभी है अभी आप जीत सकती हैं कोई मसला नहीं रैपिड फायर एक ऐसा राउंड है जिसमें काया पलट जाती है अच्छे अच्छों की और जो बिल्कुल लो होते हैं वो भी जीत जाते हैं तो आप बिल्कुल मुतमइन रहें अभी कुछ भी हो सकता है टीम ए तैयार है आपको दिया जाएगा एक मिनट के अंदर आपने जवाब ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं पहला सवाल मुनाफिकीन ने जो मस्जिद बनाई थी इसका नाम क्या था मस्जिद दरार बिल्कुल सही जवाब 1605 में कौन से मुगल बादशाह तख्तनशीन हुए बहादुर शाह जफर या जहांगीर सही जवाब कायद आजम ने वकालत का पेशे का आगाज कब शुरू किया था कहां से शुरू किया था लाहौर से कराची से बिल्कुल सही जवाब ये बताइए कि कुतुब मीनार हिंदुस्तान के किस शहर में आगरा या दिल्ली सही जवाब मशहूर गजल इंशा जी उठो अब कूच करो किसका कलाम है इब्ने इंशा या इंशा बिल्कुल सही जवाब दुनिया में मुसलमानों की आबादी किस मुल्क में ज्यादा इंडिया या इंडोनेशिया या अफगानिस्तान सही जवाब कराची में मुल्क के कितने वजीर आजम दफन है 3 या 6 3 सही जवाब सिंध की पहली खातून गवर्नर का नाम बताइए बेगम राना लियाकत जंगी चीता सबसे ज्यादा किस मुल्क में पाया जाता है साउथ अफ्रीका या भारत साउथ अफ्रीका गलत जवाब पहला पीला दरिया येलो रिवर किस मुल्क में होता है जनूबी कोरिया या चीन सही जवाब ऊंचाई के लिहाज से सब दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है हिमालय काराकरम गलत जवाब चलिए कोई बात अच्छे जवाब आते हैं आपने तालियां होनी चाहिए टीम ए के लिए चलिए जी टीम बी तैयार है पक्की बात है अब बजर नहीं दबाना आपने अब सिर्फ जवाब देना है लेकिन माइक चेक कर लें पहले आप हेलो सही है चलें शुरू करें आपका टाइम शुरू होता है अब गोबी रेगिस्तान किन मुमालिक के दरमियान वाक़े है चीन और रूस या चीन और मंगोलिया बिल्कुल सही जवाब दुनिया में कुतुब जुनूबी कहाँ वाक़े है अंटार्कटिका या नॉर्वे सही जवाब गलत जवाब अंटार्कटिका में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 या 20 10 सही जवाब जावा नाम का जजीरा किस मुल्क में इंडोनेशिया सही जवाब अक्वामे मुत्तहिदा के परचम का रंग कौन सा है सुर्ख या नीला सही जवाब लंदन में जेर जमीन रेलवे निजाम को क्या कहा जाता है मेट्रो या ट्यूब मेट्रो सही जवाब गलत जवाब नहीं ट्यूब कहा जाता है किस इस्लामी परचम के बीच में अल्लाह लिखा है शाम या ईरान सही जवाब शुमाली कब्रुस यानी साइप्रस किन दो मुमालिक के दरमियान मुतनाजा इलाका है कब्रुस और फ्रांस के दरमियान या कब्रुस और तुर्की के दरमियान फ्रांस और पहला वाला नहीं गलत जवाब गोलान हाइट्स के इलाके पर इस वक्त किस मुल्क का कब्जा है फ्रांस का या इसराइल का फ्रांस का गलत जवाब मशहूर जमाना मुहिम जो मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था जर्मनी या इटली सही जवाब चले टाइम अप हो गया आपका जवाब सही था ठीक है टीम सी यार अब भाई आपसे उम्मीद है इतनी स्पीच मैंने आपके लिए की
इतना माहौल मैंने आपके लिए बनाया। हो सकता है कि आप सही सही जवाब तेज तेज दे दें तो आप जीत सकते हैं, लेकिन अभी टीम ए एंड टीम बी बड़ी स्ट्रांग जा रही है आपसे। चलिए टीम बी के लिए पहले तालियां होनी चाहिए। टीम सी से पहला सवाल, तैयार हैं? दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? सऊदी अरब या इंडोनेशिया? इंडोनेशिया। सही जवाब। कौन सा मुल्क है जो एटमी तवानाई से चलने वाले जहाज बनाता है? चीन या रूस? रूस। सही जवाब। पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी है? भावलपुर या लाहौर? लाहौर। गलत जवाब। पाकिस्तान में पहली मोटरवे कौन सी बनाई गई? M2 मोटरवे या कराकरम हाईवे? कराकरम हाईवे। गलत जवाब। वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा जलजले आते हैं? जापान में या चीन में? जापान। सही जवाब। अब अबुल हुक्म किसका खिताब है, अबू लहब का या अबू जहल का? अबू लहब का। गलत जवाब। वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सोता है, कछुआ या स्नेल? स्नेल। सही जवाब। वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 आंखें होती हैं, मकड़ी या शहद की मक्खी? मकड़ी। गलत जवाब। दुनिया में सबसे ज्यादा मछलियां किस मुल्क में पकड़ी जाती हैं, अमरीका या पेरू? अमरीका। गलत जवाब। वो कौन सा जानवर है जो आवाज नहीं निकाल सकता, ज़ेब्रा या ज़राफा? ज़राफा। सही जवाब। किस नबी के बाल एक फरिश्ता काटता था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम? आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। टाइम खत्म हुआ। नाज़रीन आप भी कुछ गैस करें कि कौन सी टीम आज जीतेगी, और तब तक हम भी कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें हमारी टीम बताएगी कि टीम ए ने कितने मार्क्स हासिल किए, टीम बी ने और टीम सी ने कितने। जी बताइए। रैपिड फायर में हमारे 9 थे। अच्छा ठीक है, क्या लग रहा है? ओके जी, क्या लगता है भाई? उरूज आपको क्या लगता है? ए। 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 आपको क्या लगता है? लग रहा है ए। बिल्कुल आपको बिल्कुल सही लगता है, यही लगता है आपको, और आपको यही लगना चाहिए था और यही लगने का हक था। जितना अच्छा आज टीम ए खेली है, 140 पॉइंट से टीम ए आज की विनर है, और सेकंड टीम है टीम बी, 110 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और टीम सी ने हासिल किए 90 पॉइंट्स। तीनों टीम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। टीम ए आपको दिया जा रहा है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 साल का मेंबरशिप, ये आपका हुआ। कर्शी का बड़ा वाला जामेश्वरी का गिफ्ट टेम्पर आपका हुआ। इसके साथ साथ एक्सप्रेस की जानिब से आप तीनों टीम्स को गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है, एक्सप्रेस टीवी की जानिब से तीनों टीम्स को, टीम के सपोर्टर्स को नहीं, सिर्फ टीम को दिया जा रहा है। सपोर्टर्स को भी दिया जाएगा, कभी कभी दिया जाएगा और कभी कभी नहीं दिया जाएगा। लेकिन हेवन पर्ल्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानिब से गिफ्ट टेम्पर जाएगा, तिफल डैपर्स की जानिब से गिफ्ट टेम्पर जाएगा, हर्ब्यून्स नेचुरल की तरफ से गिफ्ट टेम्पर जाएगा, लेमन मैक्स की जानिब से गिफ्ट टेम्पर जाएगा, और एजाज असलम के सिग्नेचर परफ्यूम जो हिमानी नेचुरल ने बनाए हैं उनकी जानिब से जाएगा, और हिमानी लाइव नेचुरल की जानिब से ही FAW फराने लिवारिस बाय हिमानी की जानिब से आपको दिए जाएंगे तीनों टीम्स को परफ्यूम, जिसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और फिर फाइनल में इंशाल्लाह आप में से देखते हैं कि कौन फरहान अली वारिस सिटी में हासिल करेंगे 400 गज के, 240 गज के और 120 गज के प्लॉट। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नाज़रीन अगले सेगमेंट में हम आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए प्यारा रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर माशाल्लाह मैं सिर्फ दे
देख लूं एक बार सुभान अल्लाह हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर माशाल्लाह सुभान अल्लाह मास्टर सुमेर साहब की आवाज़ में आप समात फरमा रहे थे बेहतरीन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने फिर हमें वक्त दिया और नाज़रीन हमारे साथ एक और हर दिल अजीज शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप रोज़ हमारी ट्रांसमिशन में देखते हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे मौलाना साहब आप ठीक हैं शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक मौलाना साहब अपनी बज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और साथ साथ ही कुछ सवालात हैं और कुछ लाइव कॉल्स के ज़रिए कुछ हमें लिखवाए गए हैं जी जी वो भी हम करेंगे लेकिन आज का जो मौजू है वहाँ से इब्तदा करते हैं आज का मौजू हमारा था जिन्नात यानी जिन्नात वो मखलूक हैं जो वजूद रखती हैं उसमें से अच्छे जिन भी हैं और बुरे जिन भी हैं यानी काफिर जिन भी हैं और मोमिन जिन भी हैं तो इसके हवाले से ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगु फरमाइएगा और अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो सवाल जो आए हैं वो भी मैं आपको कर दूँ जनाब मुश्ताक अहमद रावलपिंडी से कि जिन्नात से हिफाजत का कोई ख़ास वजीफ़ा बताइए ठीक है और उम्मीदुल हसन ये हैं कराची से वो कहते हैं कि नाउमीदी से निकलने का कोई वजीफ़ा बताइए ठीक है और एक है शरीफ खाली शरीफ लिखा है और ये हैं यहाँ से डेरा गाजी खान से कि दिल की गफलत दूर करने का कोई ख़ास वजीफ़ा बताइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरहान भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में तकरीबन कम वेश कोई 70,000 मखलूक़ात पैदा किए हैं जिनमें अफजल तो इंसान है जो अशरफुल मखलूक़ात है सही बाकी इसके साथ दो ऐसी मखलूक हैं जिन्हें इस कायनात में अहम एज़ाज़ हासिल हुआ है वो इंसान के बाद जिनमें इंसान मिट्टी से फरिश्ता नूर से और जिन्नात वो आग से खल्क किए गए हैं जब भी मिट्टी नीचे जाती है आग के शोले ऊपर जाते हैं और नूर वो नज़र नहीं आता
अच्छा, जो जिन और जिन से निकलने वाला लफ्ज जो है जिन्नात, इसका लघवी माना है नजर न आने वाला। ठीक है, लघवी माना है नजर न आने वाला। ये मुस्तकबिल को नहीं जानते, यानी फ्यूचर को नहीं जानते। ये माजी की खबर दे सकते हैं पर उसमें कोई सदाकत नहीं होती, क्योंकि जिन्नात शयातीन की एक किस्म है जो हक पर इतनी मामूर नहीं होती। इनकी तबीयत में यानी हक्कानियत कम है और शरारत ज्यादा है। तो इसके साथ लेकिन जो जिन्नात मोमिन हैं, मोमिन हो जाते हैं, जी जो जिन्नात मोमिन हो जाते हैं। अच्छा, इनकी तीन शक्लें होती हैं। ठीक है, एक बड़े दियो जिनके लंबे चौड़े कद होते हैं, एक उनकी शक्ल वो है। एक इनकी शक्ल चूंटियां कीड़े मकोड़े वो होती हैं, और एक इनकी शक्ल इंसानों जैसी होती है। तो रिवायात में आता है जो सबसे इनकी मुजर जो इनकी किस्म है वो कीड़े मकोड़े हैं। ये कीड़े मकोड़े वाली जो इनकी शक्ल है ना, ये बहुत मुजर है। ये सांप की सूरत में भी होते हैं ज्यादातर, और चींटी की सूरत में भी होते हैं। अच्छा। सांप और चींटी की शक्ल में ये ज्यादा होते हैं और ये खतरनाक होते हैं। तो अब जो इंसानी शक्ल में होते हैं, अक्सर मोमिन वही होते हैं जो इंसानी शक्ल में होते हैं। और बाकी जो बड़े बड़े होते हैं, जो दियोनुमा, वो तो नजर भी नहीं आते। और उनकी एक खास, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मनकूल है कि जनाब मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह अगर ये तेरी सारी मखलूक नाफरमान हो जाए आप क्या करेंगे? तो इरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा, मैं अपनी चरागाहों में से एक जानवर भेजूंगा जो इनको एक लुकमे में खा जाए। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दरियाफ्त किया, या अल्लाह वो चरागाहें कहाँ हैं? का वो मेरे इलम में है। तो अब ये मखलूकात रहती कहाँ है? ये अल्लाह के इलम में है। सही। ये मखलूकात किस तरह से, इनका गुजर बसर है, कितनी उम्रें हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना। हमें हमारा ईमान इस चीज़ पर है कि ये एक वो मखलूक है जो नज़र नहीं आती, जो शर और खैर के पाबंद खुद से नहीं है, न किसी को नफ़ा दे सकते हैं न किसी को नुकसान दे सकते हैं। अलबत्ता इनको इस्तेमाल करने वाले बाज़ जो जादूगर होते हैं, बाज़ शयातीन होते हैं, बाज़ मोकिल होते हैं, और बाज़ हमजात होते हैं। अब बाज़ लोग, अब जैसे कि इन हदीस में आता है, इंसान पैदा होता है, उसके साथ एक फरिश्ता पैदा होता है, एक जिन पैदा होता है, यानी शैतान की सूरत में। अब जो जिन पैदा होता है उसका नाम, जिसको हमने हमजात कहा है, उसका नाम वसवास है। हमने हमजात कहा है, उसका नाम वसवास है। और जो फरिश्ता पैदा होता है उसका नाम महमिल है। तो यानी अब वो फरिश्ता दिलजुई करता है खैर के कामों में, और ये हमजात, ये शैतान, ये इंसान को भड़काता रहता है बुरे कामों में, गुमराह करने के लिए। तो इस एतबार से जो जिन्नात की किस्में हैं वो तीन बताई गई, जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, और एक जो बड़े अजसाम वाले हैं, और एक इसके साथ इंसानी शक्ल सूरत वाले हैं। मुझे यहाँ एक बात याद आई, एक साहब पर जिन आए थे। वो जिन आए थे तो वो पीर साहब जो उनके सामने बैठे, कि भाई निकलो इससे, निकल जाओ इससे, निकल जाओ। तो आगे से वो जो जिन उस पर हाजिर हुआ कि जनाब हुजूर, मैं तो इसको छोड़ रहा हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ रहा। तो अब ऐसा भी हुआ है कि इंसानों का तर्ज अमल इस तरह से, वो अलादीन का चराग जो जिन की शक्ल में था, मैं आ गया हूँ, मेरे आका बताएं क्या करूँ, क्या लेके आऊँ। उन्होंने कहा महल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। कहा मेरे आका जो हुक्म, लेकिन अगर मैं महल लेके आ सकता होता तो मैं इस छोटे से चिराग में रहता। तो वो एक मखलूक है, वो ज़र्रा वाला नफ़ा, न नफ़ा दे सकती है अल्लाह की मंशा के बगैर, और न नुकसान। हाँ, उनकी तबीयत में जो चीज़ें हैं उसमें, वो मैंने आपको बताया कि शर का गलबा ज़्यादा है, खैर का गलबा कम है। ठीक। अच्छा, जो जिन्नात हैं, यानी जो नेगेटिव जिन्नात हैं, उनसे बचने के लिए क्या वजीफा है, वो भी आप बताइएगा, और एक कॉल भी ले लें ताकि दोनों सवाल आप एक साथ रखें, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से बात कर रही हैं? मैं बुखारी बात कर रही हूँ, एबटाबाद से। जी, एबटाबाद से मिसेस बुखारी बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए क्या सवाल करना चाहेंगी? मौलाना साहब तशरीफ फरमाए हमारे साथ। मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि मेरी वालदा की जगह है, तो वो जगह नहीं दे रहे, ना हमें पैसे दे रहे हैं, ना जगह दे रहे हैं। जगह भी है तो
तो इस वजह से मैं बहुत परेशान है हम लोग, तो आपको ऐसा वजीफा बताएं कि हमारी ये मुश्किल हल हो जाए। यानी आपकी वालदा की कोई जगह, कोई जायदाद है जो दे नहीं रहे? मेरी वालदा की जगह है, मतलब भाई दे नहीं रहे हैं, और हम मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारी जगह दी जाए, हमारा हिस्सा दी जाए, मेरी वालदा का हिस्सा दिया जाए। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। आप टीवी देखते रहिए, मौलाना साहब से हम पूछते हैं। एक तो ये कि नेगेटिव जिन्नात जो शैतीन जिन्नात है उनसे बचने का वजीफा कोई बताइए, और ये जो खातून की कॉल आई है एबटाबाद से, ये कह रही है कि हमारी वालदा की कोई जगह है, प्रॉपर्टी है कोई जगह है, जो भाई दे नहीं रहे उसमें हिस्सा इनका, तो उसके लिए कोई वजीफा बताइए ताकि आसानी से ये मसला हल हो सके। जी अच्छा, जो नेक जन्नात होते हैं और जो बद जन्नात होते हैं, इनकी दो किस्में आपके सामने रखी हैं, बाकी कुछ लोग इनसे काम लेना चाहते हैं, तो उस तरफ मेरा एक एडवाइस है कि बिल्कुल हम उस तरफ ना जाएं कि हम इनसे कोई काम लें या इनसे कोई शर और खैर की उम्मीदें वाबस्ता रखें, तो ये फिर आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, और बिलखसूस जिनके बच्चे हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो जिनकी शादी नहीं होती उनको इतना नहीं, जिसके बच्चे हों उन्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा भी इनके तस्करे भी ना करें, यानी ऐसी जगहों पर तस्करे भी ना करें और जहां हम पहुंचे और यहां ये हुआ या वो हुआ, तो इस किस्म के इग्नोर किया करें, क्योंकि अगर आप तस्करे इनके करेंगे और इनसे डरेंगे फिर ये डराएंगे, फिर ये आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, वैसे ये कुछ नहीं पहुंचा सकते। सही। तो इसके साथ जो नेगेटिव यानी जो शरीर जन्नात हैं, इनसे हिफाजत हासिल करने का एक मुजर्रब वजीफ़ा है, जो जन्नात का हाकिम है इस वक्त, जिन्नात का हाकिम, वो कहता है कि जो 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, हम उन्हें फिर अपना बादशाह मानते हैं, जो 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ले फिर हम उस शख्स को अपना बादशाह मानते हैं, उसके करीब नहीं जाते। और इसके साथ 70 दफ़ा जब आपने एक दफ़ा कहा अल्लाहु ला इलाहा, ये कौन कहता है? ये जिन्नात का बादशाह है, जो शैतीन जिन्नात है, जो शैतीन जिन्नात का बादशाह है, वो ये कहता कि है जो एक जो 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना तो हम जिन्नात उसे अपना बादशाह तसव्वुर करते हैं, उस शख्स को। और ये किताबों में मौजूद है दलील के साथ। तो एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ने के साथ जब आप यहाँ पहुँचते हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो इस जुमले को आपने 70 दफ़ा रिपीट करना है, यानी आयतुल कुर्सी कंप्लीट होने से पहले ही वला यऊदुहु 70 मरतबा इसको करना है, और फिर दोबारा से कंटिन्यू करना है, फिर कंटिन्यू करना है। एक दफ़ा पढ़ना है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, जब यहाँ तक पहुँचे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 70 दफ़ा कंटिन्यू करें, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ये कंटिन्यू करें, तो जो ये कर ले, बड़े से बड़ा जिन हो, पुराने से पुराना जिन हो, अरसा बरस, ये जो 100 बार पढ़नी है वो इस तरीके से पढ़नी है, बीच में 70 बार ये वाली वो अलग है, वो अलग अलग है, ठीक है, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ये जिस पर हो या आप जिस जगह पर हो, जहाँ आपको लगता है ये जगह बड़ी भारी है, यहाँ कुछ गिर रहा है, यहाँ रात को झूले झूल रहे हैं, यहाँ को कोई महसूस होता है, महसूस होता है कुछ है यहाँ पे, देखिए महसूस होता है। तो ये एक ही है कि ये नेक आदमी से घबराते हैं, यानी जो नेक आदमी होता है बिलखसूस जो आयतुल कुर्सी का पाबंद होता है, उनकी बस इन पर नहीं चलती, इनके बंद टूट जाते हैं। आयतुल कुर्सी वाहिद जन्नात के लिए वो आयत गुजरी है, जो अगर तौरात जबूर इंजील जितनी बड़ी किताबें थी उसमें भी आयतुल कुर्सी की चंद आयती थी, लेकिन कुरान में अल्लाह ने ये पूरी सूरा इस तरह से उतारी है कि जन्नात के एतबार से इससे ताकतवर वजीफा न किस कोई आलिम दे सकता है, न किसी के पास है, जो कोई अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि जो आयतुल कुर्सी पढ़े और दरमियान में जब वो आखिरी आयत पे पहुंचे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, चूंकि अल्लाह ताला इस तरह फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इबादत के लिए, इबन अब्बास ने तफसीर में लिखा है कि ये इल्ला लियाबुदून का माना इबादत तो है, इल्ला लियारिफून जानना भी है, व खलक़ल जान्न मिम्मा रिजिम मिन नार, इसको आग से तख्लीक किया गया है, और आगे या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तन्फुदू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्द फन्फुदू ला तन्फुदून इल्ला बिसुल्तान। तो जो इन आयात का विर्द करते हुए आगे बढ़े तो यकीनन शरीर शयातीन से और जो खैर पर मामूर जिन्नात हैं उनसे इनके साथ एक रकाबत होती है। इंसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर इंसान के साथ 6 फरिश्ते होते हैं, अगर वो ना होते तो ये जिन्नात और शयातीन इंसान को खा जाते। हर इंसान के साथ 6 फरिश्ते होते, 2 ऊपर होते हैं, 2 लेफ्ट, 2 राइट, 2 नीचे।
लाहौर में अजान मगरिब का वक्त होने वाला है, एक मिनट हमारे से बचा है जी, तो जो सवाल इसमें से रह गए वो हम फिर कल कोशिश कंटिन्यू कर लें। एक जो खातून की कॉल आई थी जायदाद के हवाले से, इनकी वालदा अच्छा जो उनकी अराजी है, जो उनकी मलकियत है या भाइयों के उनकी साथ वालदा की मिल्कियत है, लेकिन उसमें भाई भाई बहन का हिस्सा नहीं दे रहे। अच्छा सबसे पहली बात तो मैं मुख्तसरन कहूँ कि बहनों का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले रखा है, बेटे का बाद में रखा है, यानी भाइयों का बाद में। तो कोशिश करें बहनों का हक दें, वरना आपका ये माल आपके नसीब नहीं होगा। इसके साथ दूसरा कि उनसे हक लेने के लिए, ये आपका मुकदमा है और आप हक पे भी हैं, आप एक कुरान की आयत है वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, 70 दफ़ा रोज़ाना इसका विर्द करें, इंशाल्लाह वो आपका हक खुद देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाज़रीन अब ये जब वीडियो अपलोड होगी तो जो जो आयत मौलाना साहब ने बताई हैं वो आप एक्सप्रेस के सोशल मीडिया पर आप रिकॉर्डेड जो वीडियो आएगी उसमें से आप दोबारा से देख लीजिएगा। लाहौर में और उसके मज़ाफात में अजान मगरिब का वक्त हो गया है, हम अजान मगरिब के बाद अब जो कराची में अजान मगरिब का वक्त होगा तो उस वक्त हम आपके दरमियान हाजिर होंगे। देखते रहिए प्यारा रमजान। तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना, तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना, तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना, मेरे सर पर सरकार की नाले माशाल्लाह रख देना, मेरे सर पर मेरे सरकार की नाले रख देना, तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना। इलाही देख लूं मैं भी तो अब रुए मोहम्मद को, इलाही देख लूं मैं भी तो अब रुए मोहम्मद को, मेरी मेरी आंखें जरा कौसे के मावे रख देना, मेरी आंखें जरा हुसैन के मावे रख देना। अगर सरोज साहब लिखते हैं कहा अल्लाह ने हुसैन कब हद है जहाँ ये आप रुक जाए वहीं कौसैन रख देना, क्या कहने माशाल्लाह, आप रुक जाए वहीं कौसैन रख देना, और फरिश्तों साथ मेरे इज्जत दारे फन के साथ में खाके दरे हसने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सलामत रहे फरहान भाई, जीते रहे, खुश रहे, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। फन के साथ में खाके दरे हसने रख देना, सुनिएगा और दुआ दीजिएगा सुमेर भाई और तमाम नाज़रीन। आगा सरोज साहब को जिन्होंने इस कलाम को लिखा तो कहते हैं कि जो है कुरान इत्रत से गरा पल्ला दो
तो फिर इस नात में एक काफिया सकले। तो फिर इस नात में एक काफिया सकले रख देना। और शेर ले जाओ। फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे तो उनके आगे नाते सरवर कौन है रख देना। तो उनके आगे नाते सरवर कौन है साहिबे कौसैन रख देना। तू है तकदीर ताजे अजमत कौनैन रख देना। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालैन रख दे। और आइए वक्त दुआ है नाजरीन। ये वक्त वो होता है कि जब हम अफ्तार के दस्तरखान पर बैठे होते हैं। रमज़ान का बबरकत महीना है, अशराए मगफरत भी है और मगरिब का वक्त भी है और हम रोज़ेदार भी हैं और अफ्तार के दस्तरखान पर हम बैठे हुए भी हैं। मगरिब का इन वक्त कबूलियत का वक्त होता है। तो आइए दुआ के लिए हाथ उठाइए और अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी हम मांगते हैं और अल्लाह से करम और रहमतों की रहमतों को तलब फरमाते हैं। हम सब मिलकर, आप सब मिलकर आइए। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, सबका भरम।
बख्श दे। ऐ मेरे मालिक, अशराए मगफरत का यह चौथा दिन, ऐ मेरे मौला, रमजानुल मुबारक का 14वां रोजा है। मेरे मालिक, 14 दिन से तेरी बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि मेरे मालिक, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दे। मेरे मालिक, हम खताकार हैं, हमारी खताओं को बख्श दे। मेरे मालिक, हमारे गुनाह ज्यादा हैं मगर तेरा करम उससे कई ज्यादा है। हम बहुत गुनाहगार हैं मगर तू बहुत करीब है। हम खताकार हैं मगर तू बख्शने वाला है। मेरे मालिक, तेरी बारगाह में गिड़गिड़ा कर इसलिए दुआ करते हैं कि हमें और कोई जगह मिलती नहीं है। हम तेरे दरवाजे पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। ऐ मेरे मालिक, सजदे में तुझसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। ऐ मेरे मालिक, तू मुझ पे भी रहम फरमा, मेरे मुल्क पे भी रहम फरमा। मेरे मालिक, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा, जो औलाद से उनकी औलादों को नेक और सादे बना, जो बीमार है उनको शिफायाबी अता फरमा, जो बेगुनाह असीर है उनको रिहाई अता फरमा, जो गुनाहगार असीर है उनके गुनाहों को बख्श, उनको भी रिहाई अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता, हम पर नजर करम फरमा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मुल्क पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त कशीदा है मौला, इसको खुशहाली अता फरमा। मेरे मालिक, मुल्क पाकिस्तान के हर इंसान को इस्तेहकाम अता फरमा, इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बना। इन्नल्लाह मलाइकतु सल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला मौला मेरे, मौला मौला मेरे, मौला मौला मौला। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أي الله ایس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا برحمتک یا ارحم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان لبارس افطار کے دسترخوان پر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی اور پیاری سی ننی منی سی روزہ دار ہیں جو اب روزہ کھولنے میں مصروف ہیں کیا ہم آپ سے کچھ بات کر سکتے ہیں جی ہاں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ہانیہ فاطمہ ہانیہ فاطمہ ہانیہ فاطمہ کیسا رہا آپ کا روزہ اچھا آپ کی ایج کیا ہے پانچ سال پانچ سال اور آپ کو یہ اچھا لگا چکن اچھا اچھا لگا یہ آپ اور بھی چکن لیں یہ والا میرا والا بھی چکن آپ یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو اچھا یہ بتائیے کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں میتھ ہاں میتھ نہیں کون سی کلاس میں کلاس کا ون میتھ مارچ کلاس کا نام مارچ ہے اچھا کچھ اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سیزن کا کلاس کا نام رکھ لیتے منتھ کلاس کا نام رکھ آپ کی اسکول میں ایسا ہے کہ مارچ آپ کے اسکول کا کیا نام اسکول کا نام کیا ہے روزہ لگ رہا ہے ابھی تھوڑا امپورٹنٹ نہیں ہے تو اچھا بتائیے کہ روزہ آپ نے کہاں رکھا تھا فریج میں رکھا تھا یا کچن میں رکھا تھا ہیں یا پیٹ میں رکھا تھا انہوں نے کمرے میں رکھا تھا کہہ رہی ہیں کمرے میں رکھا چھپا کے رکھا تھا کسی کو بتایا تھا سب کو بتایا تھا چلے ماشاء اللہ ایسے ہی بچے روزہ رکھتے رہیں گے تو لیکن ہم آپ کے لیے گفٹ بھی لے کر آئے دیکھیے پولیس کی جانب سے آپ کو مل رہا ہے گفٹ باکس زبردست ایسی آپ روزہ رکھتے رہیے آپ کو گفٹ ملتے رہیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی گفٹ ملے گا آپ کو بہت سارے گفٹ ملیں گے اللہ کی طرف سے اور یہ ڈینی کی طرف سے موبائل ڈینی کی طرف سے تھینک یو سر تھینک یو ویری مچ ڈینی کی طرف سے یہ ہے گیجٹ اس میں اچھی اچھی باتیں ہیں اسلام کی باتیں ہیں اللہ کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ ڈینی کا گفٹ دیا جا رہا ہے آپ کو اچھا ناظرین آپ کا شکریہ قاری محمد حسین ارائی صاحب آپ جس طرح آرام آرام سے تناول فرما رہے ہیں میں نے کہا آپ کا نام آرام سے لوں تاکہ جب تک نام کمپلیٹ ہو تب تک آپ جواب دینے کے لیے ایزی ہو بہت شکریہ آپ کا عروج شاہ عروج آپ کا شکریہ کیا یہ بنانا یہ ہوا دکھائیے دکھائیے یہ ہوا کرتی تھی اب یہ لینڈ اب یہ ہے اور اب یہ ہوا کرتی تھی اب یہ ہوا کرتی تھی تو یہ بنانا بریڈ ہے نہیں یہ رکھ رہا ہوں آپ سب سب اس کو استعمال کریں گے سب کھائیں گے لیکن سب سے اسپیشل چیز جو ہے وہ ایم اے جے مولانا آزاد جمیل ڈرنک یہ روز بنتا تھا واٹر پمپ کا مشہور تربوز والا شربت مولانا آزاد جمیل صاحب بناتے تھے لیکن آج
ये क्योंकि बनता था तरबूज के साथ और करशी का जामेशीरी, लेकिन करशी के जामेशीरी का जो इलायची वाला शरबत है आज इन्होंने इलायची और तरबूज को मिक्स कर दिया। और ये क्या क्या लगाया, ये शिमला मिर्च भी लगा, शिमला मिर्च, खजूर जी, शिमला मिर्च भी है इसमें, खजूर भी है, चीकू भी है, बनाना भी है, तरबूज भी है और जामेशीरी का इलायची फ्लेवर भी है। अरे वाह भाई वाह, तो ये जो पी लेगा ना इंशाल्लाह वो जी लेगा जो फादियत है। MAJ मौलाना आजाद जमील साहब के ड्रिंक का स्लोगन है, जो पी लेगा वो जी लेगा। चलिए जनाब मौलाना साहब, जल्दी ही मुझे लग रहा है रमजान का ब्रांड शुरू हो जाएगा आपका। मौलाना आजाद जमील ड्रिंक हमें फ्री में पिलाएंगे सर? नहीं, हम एक बार तो देखिए, जब हमारा दिल चाहेगा हम फ्री में पियेंगे, जब दिल चाहेगा हम पैसे देके पियेंगे, लेकिन हम प्रमोशन पूरी करेंगे। लेकिन अगले साल आपने वादा करना है हमारी ट्रांसमिशन में, आपने स्पॉन्सर करना है MAJ मौलाना आजाद जमील ड्रिंक विद एक्सप्रेस इंशाल्लाह। सेहत के फायदे होंगे इसके? इसके देखिए मिर्च के अपने फायदे हैं, देखिए जिस्म को मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती है, जिस्म को कड़वाहट की भी जरूरत होती है, मिठास की भी जरूरत होती है, नरमी की भी होती है, सख्ती की भी होती है। मिर्च खाने से फायदा होता है और लगाने से नुकसान होता है? नहीं नहीं, ये खाने के लिए है। देखें ये इसको देख के अगर पियेंगे ना तो इसके तासुरात आते हैं, अच्छा जैसे वो लेमन के आते हैं, तो ये इनके तमाम अज्जा जो हैं इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा आजमा लें और फिर आप हमें याद भी करेंगे और इंशाल्लाह ये याद फिर जो पी लेगा वो जी लेगा, जो पी लेगा ये ड्रिंक पी लेगा, एक बार पियेंगे, एक बार आजमाएं, बार बार आए और हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं, नकालों से होशियार। नाज़रीन ये हंसी मजाक चलता रहेगा इंशाल्लाह, आप कल हमारी ट्रांसमिशन में हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। और अब शब लग गई है आज नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद की, तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो 15 रमज़ान। और कल इंशाल्लाह आपसे 3 बजे एक्सप्रेस टीवी पर मुलाकात होती है, तब तक अपने मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और हमारे तमाम ही मौजूद मेहमानान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।